विष्कंठ जी, विष्कंठ जी। ओ ललिता बहन, भाई साहब नमस्ते, आइए आइए। मैंने सोचा था आप हमारे घर का रास्ता ही भूल गए हैं, हमें याद करने के लिए धन्यवाद। वो क्या है ना बहन, व्यापार का सीजन है, काम थोड़ा ज्यादा है। आप अभी तक यहाँ खड़े हैं, आइए बैठिए। नंदिनी बेटा कॉफी लेकर आओ। हम लड़की वाले हैं, जल्दबाजी में करना जरूरी था इसलिए कर दिया। चलो अच्छा है। और बेटी नंदिनी ठीक हो ना? अच्छी हूँ। अच्छा वैसे विष्कंठ जी कहाँ है? हाथ फैलाता है मेरे आगे और धंधा करता है किसी और के साथ। तूने मुझे धर्मात्मा समझ रखा है क्या? कंठ विष, कंठ मेरे पूरे शरीर में विष है। जिंदगी गुजारने के लिए मेरे पास सिर्फ 5 एकड़ जमीन बची है। विष्कंठ जी मेरी बीवी बच्चों को वे घर मत कीजिए, मुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा कर चुका दूंगा। मोहलत दूंगा? कर चुकाने के लिए नहीं, थोड़े दिन जीने के लिए। ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए, मेरे बच्चों का क्या होगा। मुझे कर्ज लेकर पैर पकड़ने वाले लोग पसंद नहीं। ओ नमस्कार। ओ ये क्या सूर्यकांत जी, पूरे परिवार के साथ यहाँ कैसे आना हुआ? बेटी की शादी है, पत्रिका देने के लिए आया था। लड़का आप ही के गांव का है? हमारे गांव का है? कौन है वो लड़का? हमारी मंडी का हिसाब देखते हैं ना शंकर जी, उन्हीं का बेटा। और कोई इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिला आपको? अब मैं क्या करूं? दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ रहे थे, प्यार हो गया। और प्यार करने वालों को अलग करने का अधिकार किसी को नहीं है, ये मल्लिकार्जुन जी ने फैसला सुना दिया। दूसरों के मामले में जबरदस्ती फैसला सुनाने वाला वो मल्लिकार्जुन कोई भगवान है? और नहीं तो क्या, इस गांव के लिए तो मल्लिकार्जुन जी भगवान ही हैं। उनकी बातों में सच्चाई होती है, उनकी बातें सुनकर मेरी बेटी इस गांव की बहू बनेगी, इस बात का मुझे गर्व है। इसीलिए मैंने ये शादी करने का फैसला कर लिया और पहली पत्रिका भी उन्हें ही दी, उसके बाद आपके घर पत्रिका देने आया। आप शादी में आकर वर वधु को आशीर्वाद दीजिएगा। ठीक है। ललिता जी वो थाली लेकर आओ। इनकी बेटी की शादी करवाएगा। अपराध करके किसी की जिंदगी बर्बाद करने से वो भगवान तुम्हें एक बार माफ कर सकता है, लेकिन ये मल्लिकार्जुन ने मैं अगर चुप हूं तो शांत शिव हूं और गुस्से में रुद्र शिव हूं। We'll be right back.
मैं इस गांव का रखवाला हूँ, नाम है मल्लिकार्जुन। बैंक का स्टेटमेंट है, उन्हें ऑडिटर चाहिए, भिजवा देता हूं। सुनिए जी, आप सबकी शादी करवाते हैं, हमारे घर में भी शादी के लायक एक लड़का है, आप भूल गए हैं? वक्त आने पे सब हो जाएगा। पता है पता है, ऐसा बोलकर ही आप मुझे इसी तरह हमेशा टालते रहते हो। ऐसी बात नहीं है पार्वती, हमारे घर को संभालने वाली लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना। ये फोटो देखिए जी, देखिए ये लड़की ना मेरे घर के लिए हमारे मन को जरूर भाएगी, ऐसा मुझे लगता है, और सूर्या को भी जरूर पसंद आएगी। लड़की तो अच्छी लग रही है, लेकिन सूर्या से भी तो एक बार पूछना पड़ेगा ना। मैंने सूर्या से पूछा, उसने कहा आपको जो ठीक लगे वही करिए और चला गया। मैंने भी पूछताछ कर ली है मालिक, शहर में रहते हैं, सूर्यकांत नाम है लड़की के पिताजी का, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, लड़की फॉरेन में पढ़ी है, बहुत अच्छी लड़की है, छोटे मालिक को बहुत खुश रखेगी। ओहो, मतलब सिर्फ मेरे अक्षर डालने का काम रह गया है। नहीं, वो मालकिन ने पूछताछ करके रखने के लिए कहा था, इसलिए मैंने सब कुछ। हाँ जी, आप हाँ कहेंगे तभी हम उनके घर जाएंगे और सारी बातें करेंगे, मैंने ठीक कहा ना? ये क्या यार, राशन के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है, बस के लिए भी लाइन लगानी पड़ती है, मेरी किस्मत ही खराब है। आया, अब, अरे रे, धक्का लग गया, माफ कीजिएगा सर। सर, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, गलत मत मानिए सर, माफ कीजिए। कितना अच्छा आदमी है, थोड़ा धक्का लगने पर पैर पकड़ कर माफी मांग रहा है। हमारे गांव में तो थोड़ा पैर छू गया तो लोग पैर ही काट डालते हैं। छी छी, वो भी कोई गाँव है, गाँव हो तो ऐसा हो। एक्सक्यूज मी सर, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये एड्रेस कहाँ आएगा जरा बताएंगे क्या? ओसामा बिन लादेन, तालिबान, काबुल नगर, अफगानिस्तान, केयर ऑफ उल्ला उमर। यस, उनके ससुर हैं। साहब, आपसे इनका क्या संबंध है और आप इनको क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वो लंबी दाढ़ी रखते हैं और हमारी बहुत सारी दुकानें हैं। दाढ़ी दुकान मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझाएंगे? सर, हमारी कटिंग की दुकान है, परसों इन्होंने वहाँ दाढ़ी बनाकर जाते वक्त एक कार्ड देकर गए और कहा कि यहाँ से पैसे ले जाना, इसलिए ढूंढ रहा हूँ। क्या ये आपकी दुकान में आकर दाढ़ी कटवा कर गए थे? कटिंग और दाढ़ी दोनों। आहा, सुबह सुबह मैं ये किस मुसीबत में फंस गया यार, मुझे किसी तरह इस लफड़े का रफा दफा करके यहाँ से निकल लेना होगा। सर, यस, यहाँ से सीधा जाइए, राइट लीजिए, लेफ्ट घूमिए, वहाँ एक गणपति मंदिर आएगा, उस गणपति मंदिर से लगकर अंदर जाइएगा तो पंडित का घर मिलेगा सर, और पंडित जी के घर के बाहर बरामदा है, उस बरामदे में बैठ कर ये पेपर पढ़ रहे होंगे सर, वहीं पर आपको ये मिल जाएंगे। ये हाँ यही सर। मतलब ओसामा बिन लादेन वहाँ बरामदे पर बैठ कर पेपर पढ़ता है क्या? हाँ यही। क्यों बे साले? अमेरिका वाले ही ये कहा है सोचकर फ्लाइट और सैटेलाइट के जरिए इसे ढूंढ रहे हैं, और तू कह रहा है कि पंडित के बरामदे पर बैठकर ये पेपर पढ़ रहा होगा, ज्यादा शाना बन रहा है, तू खुद को समझता क्या है? ए, तुमको पता है ना, अगर पता है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम? ए, मुझे तो पता ही था, लेकिन तुझे पता है या नहीं ये पता कर रहा था। मुझे भी पता ही था,
लेकिन तुम कब से अजीब सवाल कर रहे थे ना, इसीलिए मुझे लगा कि मैं पागल हूँ क्या। मैंने तुमको पागल कब कहा? तो फिर तू पागल है क्या? मैं कहाँ से पागल हूँ? जानकर भी झूठ बोल रहा है, इसलिए तू पागल है। मुझे पागल क्यों बोल रहे हो? पागल ही है। मैं पागल नहीं हूँ। पागल है। मैं पागल नहीं हूँ। पागल है। पागल है तू। पागल है तू। पागल है। पागल है। बहुत बड़ा पागल है तू। पागल नहीं हो, पागल नहीं हो बोलने की बजाय मैं पागल हूँ ये बोलकर अपने गांव वापस चला जाऊंगा। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। पागल ऐसे नहीं पेश आते। कैसे पेश आते है पता है? ऐसे। अरे एक्सक्यूज मी प्लीज, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये एड्रेस कहाँ आएगा जरा बताएंगे क्या? हे भगवान, अब ये किसकी मुसीबत बनेगा? अरे बाप रे, मर गया। अरे मेरी हालत खराब कर दी, दोबारा ऐसा पागल ना मिले भगवान। ये क्या सुंदर, सुबह तो इतना बन ठन के गया था बेटा, अब ये भिखारी की तरह क्यों आया है? अब मैं आपको क्या बताऊं दादी? जा मत बता। दादी हाँ। दादी अब मैं अपना दुखड़ा किसको सुनाऊं? हाँ? अरे नहीं, नहीं। क्या हुआ तुझे? फिर से कुत्ते पीछे पड़े थे क्या? नहीं मालकिन, कितनी बार कहा है किसी भी कुत्ते को मत मारा कर। नहीं मालकिन, वो पागल कुत्ता नहीं था, पागल। मुझे तेरी कहानी नहीं सुननी है, जाके नहा कर खाना खा ले। अरे अरे मालकिन, मालकिन मेरी बात सुनिए। अरे अरे मुझे खाना खिलाने वाली मालकिन भी मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही। भगवान, इस घर में कोई भी मेरा दुखड़ा सुनने वाला है कि नहीं? अगर मेरे छोटे मालिक सूर्या भैया होते तो मेरा दुखड़ा सुनकर मुझे गले से लगा लेते। भैया भैया कहाँ हो? श्वेता, प्रिया कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं कहाँ गई। पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तेरा भाई मुरली कहाँ गायब हो गया? 6 घंटे में फ्लाइट टेक ऑफ होगी, सभी के पासपोर्ट उसके पास है, कहाँ गया होगा? सॉरी। इट्स ओके। क्या इट्स ओके? जाने दे ना प्रिया। क्या जाने दे, उसने जानबूझकर तुझे धक्का मारा है। ए मिस्टर, जाने दे ना यार। क्यों जाने दूं? ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। धक्का मारना, सॉरी बोलना, बाद में लाइन मारकर लव यू बोलना, ये कुछ ज्यादा ही बोल रही है। चीफ फेलोस, म्याओ म्याओ। ए ऐसे घूर क्या रहा है? वो क्या है ना, मैंने तुम्हें ना धक्का मार के उसे धक्का मारा, इसलिए पछता रहा हूँ। क्या मुझे मुझे धक्का मारेगा? चल मार मार, देखती हूँ। ए ऐसे ही बोला तो सच में मार दिया। मना करने पर भी धक्का मारने वाले मर्द होते हैं, ऐसे में मार मार करेगी तो क्या चुप रहेंगे? ए शट अप। क्या हुआ मैम, क्या हुआ सर? अरे इनसे क्या पूछ रहे हो, मैं बताता हूँ ना सर। फ्लाइट यहाँ लैंड हुई, मैं वहाँ से आ रहा था और ये यहाँ से आ रही थी। मुझे कुछ टेंशन था तो मैं सोचते हुए आ रहा था, देखा नहीं तो इस लड़की से मैं टकरा गया। बस इतना ही सर। और इस पर देखिए कितना चिल्ला रही है। बात तो ये है सर, मेरा तो इस लड़की से धक्का लगा था, इससे तो मेरा धक्का लगा ही नहीं था, फिर भी ये इतना बोल रही है। तो आप ही बताइए सर। माइंड योर लैंग्वेज। क्या प्रॉब्लम है सर, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फ्लाइट लैंड हुई, मैं यहाँ से आ रहा था और ये वहाँ से आ रही थी। मुझे कुछ टेंशन था तो मैं सोचता हुआ कि इससे ऐसे ऐसे टकरा गया, दैट्स ऑल। इतनी सी बात पे ये इतना चिल्ला रही है सर। आप भी आइए चड्डी मैन, आपको भी बताता हूं। सर 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 प्लीज कुछ भी मत बोलिए, मैंने वहाँ से सब देखा है। सर ये जो लड़की है वो मेरी बहन की दोस्त है, देखिए छोड़ दीजिए। प्रिया चलो, हमें शादी में जाना है, उससे पहले शहर भी तो घूमना है। वाह ब्यूटीफुल, वहाँ देखो वो बिल्डिंग कितनी बड़ी है। ओह जिंदगी में इससे बड़ी बिल्डिंग कभी देखी ही नहीं है क्या? ए तू फिर से आ गया। श्वेता तू इधर आ। ए मिस्टर पीछा किया तो ठीक नहीं होगा,
अब तुम्हें क्या हो गया? शांत रहिए, शांत रहिए, शांत रहिए। प्रिया तुम इन्हें देख के भड़क क्यों जाती हो? अरे चलते चलते गलती से धक्का लग गया, इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू? देखो हम फॉरेन में आए हैं, इंडियन साथ रहेगा तो अच्छा रहेगा। मेरी बात मानो सर, आप इधर आइए सर, हम इधर बात करते हैं सर। वैसे सर आप यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? मैं मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। ओ अच्छा, और आपकी फ्लाइट में भी था वो लड़की। हाँ। इतना शोर क्यों मचाती है? जब देखो तो म्याऊ 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 करती है। म्याऊ म्याऊ मतलब? म्याऊ म्याऊ का मतलब शेरनी जैसी बिल्ली। ऐसा क्या? हाँ। सर वो लड़की वैसी ही है, बट हार्ट वाइज बहुत अच्छी है। ये सब लोग मिलके, इनके फ्रेंड की शादी है वहाँ जा रहे हैं, साथ में कोई मर्द होना चाहिए इसलिए मुझे बुलाया, मैं आ गया। कहाँ है वो मर्द? क्या सर जोक मार रहे हैं? मैं ही तो हूँ। नहीं बचा इन लड़कियों से ऐसे। हाँ? अब जैकी जेन या ब्रूसली को जानती हो? जानता क्यों नहीं हूँ सर, बहुत अच्छे से जानता हूँ, बहुत फिल्में देखी हैं। क्यों? आपने उन्हें सिर्फ फिल्मों में देखा होगा। अच्छा? यहाँ पे 10-10 मिनट में ऐसे लोग दन दनादन करके टपक जाते हैं, आपकी म्याऊं म्याऊं तो समझ लो गए। सर इतना वर्स्ट है क्या ये शहर? इस शहर से और यहाँ के लोगों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। अरे वाह, आपको सब पता है, हमें दिखाएंगे क्या? अरे आपको नहीं दिखाऊंगा तो किसे दिखाऊंगा? ए तू चुप बैठ, ये ठीक नहीं है, सिर्फ डबल मीनिंग में बातें करता है, ये क्या दिखाएगा मैं जानती हूँ। हेलो मैडम, ये बिल्कुल गलत है, हमेशा यहाँ से सोचना चाहिए, यहाँ से नहीं। अब ये क्या सोच रहा है पता है? इन लोगों को जहाँ जाना है ये वहाँ पहुँच जाएंगे, मगर तुम नहीं पहुँच पाओगी। ओहो, खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो जब भविष्य बताओगे। ए चल यहाँ से। ए रुक ना सर, हमें कॉस्मेटिक आइटम चाहिए था, वो यहाँ मिलेगा क्या सर? हाँ, हाँ। इन्हें जो आइटम चाहिए और इससे जो आइटम चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। ये फिर डबल मीनिंग बातें कर रहा है। डबल मीनिंग जैसा क्या है इसमें? सर मेरे आइटम की बात कर रहे थे ना, कहाँ है वो? वो जो आ रही है ना वो आपके जरूरत की चीज है। ओके 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 ओके। ए ऐसे क्या देख रहा है, क्या है वहाँ? ए अब इस म्याऊ को यार तुम ही समझाओ। प्रिया इस उम्र में अगर नहीं देखा तो आँखों का कोई फायदा ही नहीं। देखने से क्या मिलता है? आँखों को ठंडक है ना सर। हाँ। अब लड़कों का क्या है ना कि ये सारे नजारे देखकर वो जब चार लोगों को बताते हैं ना तब उन्हें अच्छा लगता है। सही कहा आपने, ये मस्ती और ये सारी बातें हम दोस्तों को बता के खुश हो जाते हैं। करेक्ट। ऐसा क्या बताकर खुश होते हो? मान लो एक लड़की ने मुझे देखकर हंस दिया तो मैं कहूँगा उसने मुझे नंबर दिया है। और अगर कहीं उसने मुझे अपना नंबर दे दिया तो मैं कहूँगा उसने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया है। और रेस्टोरेंट में बुलाए तो? तो मैं इस तरह से उसका हाथ पकड़ के उससे प्यार भरी बातें करूँगा। उसके बाद? उसने हाथ पकड़ा ऐसा नहीं कहूँगा, उसने चुम्मा दिया है कहूँगा। और अगर उसने मुझे चुम्मा दे दिया तो मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि उसने मेरे साथ कुंग फू खेल लिया। तो फिर हम लोग जिस तरह से मिले हैं उसके लिए उनसे क्या कहोगे? इसे मैं ऐसे नहीं कहूंगा, इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला डालकर थोड़ा स्पाइसी बनाकर कहूंगा। छी, चीप फेलो। हे मेरी प्रिया कहां लेके चली तू दिल मेरा, कहां लेके चली तू दिल मेरा। चली तू दिल मेरा, अरे ये तूने क्या किया, क्या बोली राधा है तेरा। अरे जा जा अपना रास्ता, तू नाप ले दीवानी। हाँ हाँ मैं दीवाना हूँ लेकिन बस तेरा रे। चल हो जा हो जा, नौ दो ग्यारह यूं निपट मुझसे। ये नखरा वखरा छोड़ सोनिए, राजी हो जा रे आजा। हे मेरी प्रिया काले के चली तू दिल मेरा, अरे हो म्याँ म्याँ, क्या बोली राधा है तेरा। ना ढूंढे तू दिल तेरा मैं तेरा, कर दूं ये जा कुर्बान। तेरी बातें पे जानू एक नंबर का चालू, एक ऐसा हाथ पड़ेगा भूलेगा सारी तू। तौबा मेरी तौबा, ऐसा भी क्या गुस्सा होगा, जो भी होगा मैंने तो लव किया। ना हाथ तेरे कुछ आएगा, कितना भी कर ले हंगामा, नहीं ऐसी वैसी मैं लड़की ड्रामा। कैसे कितने भी जाल बिछा ले, फंस नहीं पाऊंगी तुझे। हे मेरे
क्या बोली राजा है तेरा। परियों की रानी सुन ले तू दिल जानी, मैं नागिन हूँ डस लूंगी मांगेगा ना पानी। बड़ी 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 बात है तेरी, टूटे ना हिम्मत मेरी, सुन ले तू एक दिन तो मेरी हो ना। यार बड़का क्यों है मुझसे बेजार क्यों, यार मेरा तुझको ना मिलेगा सुन ले तू। सुनो लड़की इतना भड़की क्या समझी है खुद को, अरे धीरे धीरे तुझको भी लव हो ही जाएगा, अरे प्यार तुझे भी होले होले हो ही जाएगा। हे प्रिया हे प्रिया, अरे हे प्रिया प्रिया, कहाँ लेके चली तू दिल मेरा, अरे बोल मेरी रानी क्या आज इरादा है तेरा। हे प्रिया जा रही है, चलो चलो चलो। ए स्टॉप 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 प्लीज स्टॉप स्टॉप स्टॉप, जल्दी बैठो लेट हो रहे हैं। एयरपोर्ट प्लीज, प्रिया फ्लाइट का टाइम हो रहा है जल्दी बैठो। नो 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 नॉट अलाउड ओनली थ्री। तो फिर आप उतरिए सर, आप बैठिए। ठीक है आप आइए सर। ए तुम रुको, तुम लोग जाओ हम आ जाएंगे। ठीक है जल्दी आना। बाय। उसके बुलाते ही भागने लगे उसके पीछे, ऐसे ही क्यों खड़े हो। हाँ हाँ बैठ जाओ नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। मैंने पूरे 6 घंटे तुम्हारे साथ बिताए हैं, अब तुम अकेले जा रही हो, नया शहर है, डर लग रहा है ना। वैसे मेरी इज्जत को कोई भी खतरा नहीं। स्लो 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 स्लो। लिटिल फास्ट प्लीज, जस्ट हरी अप। ओहो सिग्नल को भी अभी रेड होना था। हे क्या बेकार में टेंशन ले रही हो, ग्रीन होने तक तो रुकना ही पड़ेगा ना। तुम्हारे कहने से ये फास्ट हो जाएगा ना। ओह गॉड जल्दी चलो। ओह फ्लाइट मिस हो गई। नेक्स्ट फ्लाइट कब है मैं देख के आता हूं। ओह शिट क्या हुआ, अगली फ्लाइट कब है। नेक्स्ट फ्लाइट तो अब सुबह में ही है। इतना परेशान क्यों हो रही हो तुम। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से ही फ्लाइट मिस हो गई। अरे इसमें मैंने क्या किया यार, हम कल सुबह की फ्लाइट से चले जाएंगे ना। तब तक वो मेरे लिए शादी रोक कर रखेंगे क्या। क्यों तुम्हारे बगैर वो शादी नहीं करेंगे क्या। कैसे होगी, गहने मंगलसूत्र झुमके सब कुछ मेरे पास है, ये सब मंदिर से पूजा करवा कर लाई हूँ, अगर मैं ही टाइम पर नहीं पहुंची तो शादी कैसे होगी। ठीक है एक मिनट रुको, टेंशन मत लो। हेलो हाँ सचिन, मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा यार, थोड़ा समझने की कोशिश कर यार, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, मैं नहीं आ पाऊंगा यार, समझा कर तू देख लेना। ओके प्लीज 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 या तुम्हें समय पे शादी में पहुंचना है ना। ठीक है चलो मेरे साथ। सिगरेट पीना जरूरी है क्या। अरे यार ये टेंशन में पी रहा हूं मैं,
अगर तुम्हें सिगरेट पीने वाला पति मिल गया तब क्या करोगी? मैं वैसे आदमी से शादी ही नहीं करूंगी। तो फिर किससे करोगी? उसे सिगरेट की आदत नहीं होनी चाहिए। वैसे दारू पीने वाला चलेगा क्या? नो वे। जरा भी नहीं पी सकता क्या? अगर पार्टी में जाते हैं तो थोड़ा पी सकता है। ओ, अगर उसका डांस करने का दिल करा तो? मेरे साथ ही करना होगा। अगर नहीं किया तो? डोर क्लोज। और अगर कहीं वो किसी और के घर चला गया तो? डाइवोर्स। ओ, तुम लड़कियां हमेशा पति पर दबाव डालने के बारे में सोचती रहती हो, लेकिन प्यार के बारे में नहीं सोचती। ऊपर से ये मंगलसूत्र, गहने, सब बेकार का दिखावा है। ठीक है, वो सब छोड़ो, अब हम वहां कैसे पहुंचेंगे ये सोचो। भर के ये बकबक कर ली, अब बच्चों की तरह सो रही है। लड़की थोड़ा गुस्से वाली है लेकिन दिल की अच्छी है। हेलो हेलो प्रिया, हम यहाँ पहुंच गए हैं, तू कहाँ है? मैं अभी। हाँ? क्या हुआ, ऐसे डर क्यों रही? कोई शेर देख लिया क्या? अब तक यहीं पे तो सर रख के सो रही थी। हेलो प्रिया, क्या हुआ? हेलो यार, ट्रेन फ्लाइट मिस हो गई, ट्रक में आ रही हूँ। फ्लाइट मिस हो गई, ट्रेन मिस हो गई, लगता है यहाँ मिसेस बनकर ही पहुँचोगी तुम। शट अप, ये नमूना है ना, इसने जैसा कहा वैसा ही हुआ। इल्जाम लगाना तो कोई इनसे सीखे। खैर बनाओ कि गाड़ी अभी तक पंचर नहीं हुई। अरे रे, आखिर गाड़ी पंचर हो ही गई। अब क्या करें, जो होना था हो ही गया, चलो चलते हैं। कीर्ति? हाँ? हाय प्रिया। सॉरी यार, देर हो गई। तुम आ गई, कहीं देर ना हो जाए ये सोचकर टेंशन हो रही थी। टेंशन मत लीजिए आंटी, गहने, झुमके, मंगलसूत्र सब इसमें है, ये लीजिए। थैंक यू बेटा। प्रिया चल फ्रेश होके तैयार हो जा। सी यू गर्ल्स। सर सर सर, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे थोड़ा कुछ जरूरी काम है। अरे नहीं सर, आपने हम लोगों की बहुत मदद की, आप प्रिया को सही सलामत लेके भी आए। यहाँ शादी हो रही है, अक्षता डालिए और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देके जाइए। आइए ना सर, चलिए ना। ऑलरेडी फ्लाइट लैंड हो चुकी है, इंक्वायरी देयर, और जल्दी पिकअप करके उसे ले आ यार। यस, हाँ। ए छोड़ उसे, मुसीबत दूर हो गई समझकर उसे फ्लाइट में बैठा कर वापस इंडिया भेज दे, भेज दे। क्यों, क्या हुआ? शास्त्र संप्रदाय के अनुसार ही शादी होनी चाहिए। इंडिया से ही पंडित को बुलाने के लिए कहा था ना, एयरपोर्ट पर उतरते ही उसने पागलों जैसी हरकत कर दी, इसलिए उसे अंदर कर दिया। कितनी बार मैंने कहा तुमसे, डोंट कीप दिस नॉनसेंस इंडियन सेंटीमेंट, कभी मेरी बात सुनी? अरे अंगूठी पहनाकर पार्टी देकर शादी नहीं होती क्या? पंडित आएगा, मंत्र पढ़ेगा, आग जलाएगा, ये मंगलसूत्र पहनाने से ही शादी होती है क्या? बस हो गया, मुझे ये सब पसंद नहीं है, फेंको इसे। क्या सर, सात समंदर पार किसी और देश में आते ही आप हमारी संस्कृति को भूल जाते हैं? आप क्या कह रहे थे, इसके बगैर शादी नहीं हो सकती? आपको इसका मतलब भी पता है? ये सिर्फ हल्दी का धागा ही नहीं है, मंगलसूत्र है। मंगल का मतलब पवित्र, सूत्र का मतलब धागा। अग्नि को साक्षी मानकर इस मंगलसूत्र को पहनने से संबंध अग्नि की तरह पवित्र हो जाते हैं। इस पर दो टीके पता है क्यों लगाते हैं? लड़की मायके जाए तो ससुराल को, और ससुराल जाए तो मायके को भूल ना पाए। शादी में लड़का लड़की एक दूसरे पर चावल डालते हैं, वो पता है क्यों? ताकि उस घर में उस पवित्र चावल की तरह खुशियों की बौछार हो। लड़का लड़की सात फेरे क्यों लेते हैं पता है? पहला फेरा अन्नपान के लिए होता है, दूसरा फेरा खुशियों के लिए होता है, तीसरा फेरा साथ जीवन गुजारने के लिए, चौथा फेरा संतान के लिए, पांचवा फेरा ऐश्वर्य संपत्ति के लिए, छठा फेरा शांति और सुकून के लिए, और सातवां फेरा कभी भी कोई भी मुसीबत आए दोनों एक साथ मिलकर सामना करेंगे, ऐसा विश्वास दिलाता है। इस तरह सात इच्छाओं के लिए छह इंद्रियों की मदद से
पांच इंद्रियों को एक साथ लाकर चारों दिशाओं को साक्षी मानकर तीन गांठ बांधकर दो दिलों का मिलना ही शादी है। ये लीजिए। थैंक यू बेटा। अरे बाप रे, शादी होके 15 साल हो गए लेकिन अब तक मुझे शादी का मतलब पता नहीं था। अगर तुम्हें समझ में आया हो तो सॉरी बोल दो। लगता है ये समझा नहीं सर। सिर्फ यही क्या, इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो शादी का मतलब नहीं जानते, डाइवोर्स का मतलब जानते हैं। मैं एक मिनट में आया। हेलो, क्या हुआ, टेंशन है क्या? सरदर्द हो रहा है। तो पेग मार लो। पेग मारने से सरदर्द जाएगा क्या? क्यों नहीं, तुम्हारे पिताजी कंटिन्यू पेग मारते थे, जायदाद चली गई। तुम्हारे दादा तो पेग पे पेग मारते थे, जान चली गई। और तुम पेग मारोगे तो सरदर्द नहीं जाएगा क्या? जा रहे, सर खाता है। मिस्टर सूर्या, सिगरेट मिलेगी क्या? मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। ऐसा क्यों? जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ उसे वो पसंद नहीं है। सूर्या, आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह पेश आई। तुमसे पहली बार मिलकर तुम भी मुझे दूसरे मर्दों की तरह एक फ्लर्ट जैसे ही लगे, पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद तुम क्या हो पता चला। इसीलिए कहते हैं दिल की बातें सुना करो, दिमाग की नहीं। वो मुझे गुस्सा जल्दी आता है, मेरी वजह से तुम्हारा काम खराब हो गया, मुझे माफ कर दो। I'm so sorry। चचे, ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे तुम्हारा गुस्सा ही भाग गया। तुम्हारा इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर तुम एयरपोर्ट पे चुपचाप बैठती तो हम इस तरह ट्रेवल नहीं कर पाते और ना ही हमारे अंदर कोई फीलिंग आती। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, देयर इज अ रीजन फॉर एवरीथिंग। प्रिया, बारात दुल्हन को लेके थोड़ी देर में निकलने वाली है, कीर्ति तुम्हें बुला रही है, चलो। अरे जल्दी चलो ना, देर मत करो। मालिक, आपको खबर मिली क्या? क्या? मलिका अर्जुन के बेटे सूर्या के लिए शहर में लड़की ढूंढ रहे हैं। हाँ तो क्या हुआ? आप समझते क्यों नहीं है, मलिका अर्जुन का इकलौता बेटा है सूर्या, उनके पास ढेर सारी जमीन जायदाद है। हमारे घर में लड़की होते हुए कोई और उनके घर की बहू बने, ये हम होने नहीं देंगे। क्या तू ये क्या बोल रहा है? बिल्कुल पते की बात कर रहा हूँ। हमारी नंदिनी बिटिया का मलिका अर्जुन के बेटे सूर्या के साथ भी रिश्ता हो सकता है ना? ए, मल्लिका अर्जुन के साथ हमारा क्या रिश्ता है ये पूरा गांव जानता है, और तू चाहता है कि हम उनके साथ? देखिए, बेकार की बातें करके कुछ हासिल नहीं होगा, वैसे भी मालिक का उनसे कोई रिश्ता नहीं है क्या? ये कौन है? मल्लिका अर्जुन के चचेरे जीजा हैं, मगर ये वहाँ अपनी बेटी का रिश्ता वहाँ लेकर उनके पास जाएंगे तो वो मना कर देंगे क्या? ए, हम लोग वहाँ पे क्यों जाएंगे? अरे बेटा, ना समझो की तरह क्यों बोल रहे हो, इस पूरे गांव में आप दोनों का ही तो दबदबा है, मगर मल्लिका अर्जुन की बात की जाए तो पूरा गांव उन्हें भक्ति से उन्हें प्रणाम करता है, और तुम्हारे पिताजी भी कम नहीं है, वही लोग इन्हें डर के मारे प्रणाम करते हैं। अगर दोनों मिल गए ना तो पूरा गांव भय और भक्ति से इनकी इज्जत करेगा। इनकी बात तो बिल्कुल सही है, हमारी बेटी की अच्छी जिंदगी के लिए हमें उनके घर जाकर रिश्ते की बात करनी चाहिए। रीति रिवाज के अनुसार लड़की का हाथ मांगने के लिए लड़के के घर वाले आते हैं, लेकिन आप तो नहीं आए इसलिए हम ही आ गए। पुरानी बातें दिल में रखकर अगर आज हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए दोनों परिवार अलग हो जाएंगे, इसलिए सब कुछ भुलाकर गांव वालों को साथ लेकर मैं यहाँ आया हूँ। मुंह बंद कर, तेरा मेरा क्या रिश्ता है जो यहाँ रिश्ता लेकर आया है? उसे टूटे हुए कितने साल हो चुके हैं, फूल जैसी मेरी बहन को बहला फुसला कर उससे शादी करके उसे मार डाला, उसके बाद इस औरत को उठा लाया, और अब तू क्या चाहता है?
मैं तुझसे रिश्ता जोड़ लूं। एक इंसान का चरित्र पता चलता है उसके चलन से। आज मेरी बहन की बरसी है, अगर तू उसे प्यार करता होता ना तो उसके लिए घर में पूजा प्रार्थना करता। आज मैं उपवास रखकर अपनी बहन की तिथि पर पूजा करवा रहा हूँ, और ऐसे वक्त पर पूरे गांव को इकट्ठा करके तू शादी की बात करने आया है? तुझे शर्म नहीं आती क्या? सीधी तरह से तू यहाँ से चला जा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। हम सारे गांव वालों को अंदर बुलाने के बजाय तुम यहीं खड़े होकर के बात कर रहे हो, ये तुम्हें अच्छा लग रहा है क्या? जिस दिन मेरी बहन की जान तेरे घर में गई थी उसी दिन मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन तेरे बच्चों की वजह से मैंने कुछ नहीं किया। उस दिन जो मैंने नहीं किया वो आज मुझसे मत करवा। जा यहां से। तुम मुझे जान से मारते या मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करता, उसके बारे में मैं यहाँ बात करने नहीं आया हूँ। सीधी तरह से मेरी बेटी को अपने घर की बहू बना। इस मल्लिकार्जुन के घर की बहू बनने के लिए तेरी बेटी की योग्यता नहीं है, क्योंकि वो तेरी बेटी। मल्लिकार्जुन, गलत किया तूने। इस विषकंठ का अपमान करके बहुत गलत किया तूने। मैं आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं रखता। बेटी का रिश्ता जोड़ने के लिए मल्लिकार्जुन के आगे अपना सर झुकाकर खाली हाथ वापस चला गया। इस विषकंठ को ऐसा आगे कोई नहीं बोलना चाहिए। सावित्री बहन, नागेश्वर शिवशंकर का बेटा विषकंठ शिवशंकर यानी मैं अपनी बेटी सौजन्य नंदिनी नाम की कन्या रत्न का इसी गांव में रहने वाली सावित्री नाम महिला के बेटे से रिश्ता जोड़ता हूँ, और मंगनी के रूप में मैं ये थाली आपको उसी स्वरूप दे रहा हूँ। लीजिए। मल्लिकार्जुन, मैं खाली हाथ नहीं जा रहा हूँ, तेरी आंखों के सामने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करके ही जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा आदमी है ऐसा पूरा गांव बोलता है, और यही गांव वाले मैं कितना बुरा आदमी हूँ ये भी जानते हैं। अगर तेरे में इतना घमंड हो सकता है तो मुझ में कितना होगा सोच। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चलो रे। कमला, मल्लिकार्जुन जी की दया से गांव वाले के कपड़े धो धोकर जीने का नया रास्ता मिल गया, जल्दी आ। ए कमला, देखिए विषकंठ जी के कपड़े हैं, उनके मन की तरह उनके कपड़ों में भी विष भरा हुआ है। कपड़ों में कितना मैल भरा हुआ है देख। अच्छा, इन कपड़ों का मैल तो मैं धो रहा हूँ, लेकिन उनके मन में जो मैल भरा हुआ है वो ऊपर वाला कब धोएगा पता नहीं। ये ले। अपने औकात जाने बिना मल्लिकार्जुन के घर जाकर बेटी के रिश्ते के लिए बेइज्जत होके आ गया, उन्हें क्या जरूरत थी बोलो। देख, भगवान की रथ यात्रा निकालने से या चारों धाम की यात्रा करने से, गंगा में डुबकी लगाने से भी कुछ नहीं होता है। अच्छे लोगों के साथ ही भगवान रहते हैं। ठीक है ठीक है, अब छोड़ो, हमें क्या करना है। वो तो ठीक है, अपनी अपनी किस्मत है, हम क्या कर सकते हैं। भगवान के भी कपड़े धोने होते हैं और शैतानों के भी। बारे में गलत बोलेगा? नहीं मालिक, मैंने गलत नहीं बोला। अरे छोड़ दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मत मारिए, मुझे मत मारिए, मुझे भगवान के लिए छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए मालिक, मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मुझे माफ कर दीजिए मालिक। क्या बोला? वो मल्लिकार्जुन भगवान है और मेरे पिता शैतान। अब ये शैतान तेरा हाथ तोड़ेगा। बोला अपने भगवान को, देखते हैं। अब ऐसा क्या हो गया जो पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके पंचायत बुलाई है इस मल्लिकार्जुन ने? ऐसे पेश मत आओ जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। आपके बेटे ने गलती की है, इसीलिए हम सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। चुपचाप खड़े रहकर मल्लिकार्जुन जी का फैसला सुनो। आराम से बैठकर कुछ भी फैसला करेगा और हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे खड़े रहेंगे क्या? करने वाला चाहे कोई भी हो, पंचायत में उसका सही फैसला होगा, यही रिवाज है। किसको सिखा रहा है ये घटिया रिवाज? एक मारूंगा तो 32 निकल आएगी। रुक, ये क्या कहता है?
जरा हम भी तो सुने। ये कपड़े धोकर अपना जीवन बिता रहा था, तेरे बेटे ने इसका हाथ तोड़ डाला। इनका गुजारा कैसे होगा ये सोचकर ये यहाँ आए हैं। जवाब दे इन्हें। क्या जवाब दूं हैं? ये अभी जवान है, गुस्से में आकर हाथ तोड़ दिया। सर तो नहीं उड़ाया ना, 10,000 दे दूंगा मैं इसे, लेकर जाने के लिए बोलो। राम जी, इन्हें 20,000 दे दीजिए। किस लिए? हम तेरे बेटे के दोनों हाथ तोड़ देंगे, उसी के लिए ये 20,000 दे रहा हूं। ये तू क्या बोल रहा है? हाथ पैर तोड़वा कर मुंह पर पैसे फेंकने के लिए हमने कसाई का घर खोल रखा है क्या? कितनी बेरहमी से मारा है तेरे बेटे ने, ऐसे में पैसा देकर आसानी से उसे बचाना चाहता है। गांव वालों के गंदे कपड़े धोने वाले एक मामूली आदमी के लिए एक धोबी के पक्ष में बात करके तो विषकंड का अपमान करने की कोशिश कर रहा है, ये तो ठीक नहीं कर रहा। किसे तू गंदे कपड़े धोने वाला कह रहा है? मंदिर की दीवारें गंदी होने पर साल में एक बार उसे रंगवाया जाता है। गांव वालों को साफ सुथरा रखने के लिए ये हर रोज उनके कपड़े धोता है। ऐसे इंसान के रहने से ही तू यहाँ पर शान से खड़ा है, बिना किसी भेदभाव के, किसी को अमीर गरीब समझे बिना। हम सब एक परिवार हैं ये समझकर अभी तक जीते आए हैं। यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबके लिए न्याय एक ही है। मल्लिकार्जुन, तुम्हारा फैसला क्या है? इसका हाथ ठीक होने तक इसे जो कुछ भी चाहिए उसका इंतजाम तेरा बेटा करेगा। इसके अलावा गांव वालों के सभी गंदे कपड़े आज से तेरा बेटा धोएगा। यही इस मल्लिकार्जुन का फैसला है। ए मल्लिकार्जुन, तुम दुश्मनी का बदला अपने मन में रखकर मेरे बेटे से बदला ले रहे हो। चाहे तेरा बेटा हो या मेरा बेटा हो, सजा सबके लिए एक ही है। मैंने जो सजा सुना दी वो अटल है। मल्लिकार्जुन नहीं, पूरे गांव वालों के सामने तू मेरी बेइज्जती मत करवा। तुझे जो चाहिए मैं दूंगा। ये तेरा आखिरी फैसला है क्या? मल्लिकार्जुन की जबान नहीं पत्थर की लकीर है। एक बार जो मैंने कह दिया सो कह दिया, ये मेरा आखिरी फैसला है। जो गांव वाले हमें देखकर थर थर कांपने लगते थे, आज हमारा बेटा उन्हीं के गंदे कपड़े धो रहा है। हाँ छे, इतना ही नहीं, पूरे गांव में हमारी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। अब लोग हमें ना उनके पैरों की धूल समझ रहे हैं। चलते वक्त क्लास से भी जोरों से आवाज आती है, ऐसे में हम जिंदा लोग हैं। हमारी इतनी बेइज्जती होने के बाद भी हम नामर्दों की तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? अब हाँ कहिए भैया। आसानी से उखाड़ फेंकने के लिए मल्लिकार्जुन कोई मामूली पौधा नहीं है, मजबूत खड़ा पेड़ है वो। हमें उसे जड़ समेत उखाड़ फेंकना होगा, जल्द उखाड़ना होगा। माँ, माँ, ए सको इधर आ। क्या है? सूटकेस सिर पर है, दिखता नहीं क्या? अंदर ले जा। तू किसी ट्रंक से कम है क्या? एक सूटकेस भी नहीं उठा सकता, चल जा। माँ, सूर्या, तू आ गया बेटा, ठीक है ना? ठीक हूँ माँ। पापा कहाँ हैं माँ? सूर्यकांत ठाकुर जी आए हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं। सुन, मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है, जल्दी चल खाना खा ले। हाँ, ये सबसे पहले जरूरी है। असली तुझसे पूछा। माँ, मैं पापा से मिल के आता हूँ। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। पापा। हाँ आओ सूर्या। ये है मेरा बेटा सूर्या, MBBS करके आ रहा है। आजकल के लड़के गांव को भूलकर शहर में जा रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ये यहीं रह के गांव की सेवा करे, इसलिए मैंने यहाँ एक अस्पताल बनवाया है। ये हैं सूर्यकांत जी। नमस्ते। नमस्ते। इन्हीं की लड़की से तुम्हारा रिश्ता जोड़ रहा हूँ। सूर्या, तुम जाके खाना खा लो। ठीक है पिताजी। ये
ये क्या भैया, शादी की बात सुनकर खुश होना चाहिए तो आप उदास हो गए। मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे बताऊँ। सिर्फ इतना ही ना, बड़े मालिक से बोलेंगे तो काम हो जाएगा। ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? मैं उन्हें ये बताना नहीं चाहता हूँ, हमें ही कुछ करना होगा। तो फिर ठीक है, आप उस लड़की के घर पर फोन कीजिए और उनके घर वालों को यहाँ बुलाकर रिश्ते की बात कर लीजिए। नहीं सुंदर, मैं उससे फोन नंबर और एड्रेस पूछना ही भूल गया। कमाल की बात है, इस जमाने में भी फोन नंबर और एड्रेस नहीं लेने वाले एकमात्र प्रेमी जो है वो आप ही हैं। गुस्सा मत होइए, आप तो बड़े मालिक की बात टालने से रहे तो एंगेजमेंट के दिन उनकी पसंद की लड़की के मुंह से ये रिश्ता मुझे पसंद नहीं है ये कहलवा देंगे तो काम हो जाएगा। आइए आइए मल्लिकार्जुन जी, नमस्ते नमस्ते, आइए। चलिए मालिक। आइए दामाद जी। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। अरे बाबा, अरे 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 भाई, अरे भाई जरा यहाँ वहाँ देख कर चलो भाई, देखा ना कैसे फिसल के गिर गए आप। ए, गिरने से मेरी मूछ पर धूल लग गई। आपको मूछ ही नहीं है तो धूल कहाँ से लगेगी? आपने क्या कहा? तुम कौन हो पूछ रहा हूँ? मैं इस घर का नौकर हूँ। तो ऐसा बोलना यार, तू इस घर का नौकर है क्या? ए, मेरी बात सुन, एक घर के नौकर ने ही इंदिरा गांधी को शूट कर दिया था। सिर्फ नौकर होना ही काफी नहीं है, विश्वास विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है भाई, आज से मैं ऐसे ही रहूँगा। वैसे आपने नहीं बताया कि आप कौन है? पूछ लिया, तू मुझसे ही पूछ रहा है? मेरे मुँह से अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, मेरे गाँव वाले पीछे आ रहे हैं ना, मैं कौन हूँ उनसे जाकर पूछ ले, वो बता देंगे। ए, क्या कर रहा है? मालिक की तरह पोज देकर क्यों खड़ा है रे पागल कहीं का? कौन है तू? है कोई शुभ कार्य है, अच्छे कपड़े पहनने की इजाजत क्या दी? तू तो घर का नौकर है, ये भी भूल गया क्या? चला बाजा, अपना काम देखा। नौकर हूँ पता चल गया ना, ऐसे क्यों देख रहा है तू? मतलब मेरे ही बिरादरी का है ना तू? नौकर हूँ पता चल गया तो लुंगी क्यों उठा ली तूने? मैंने कब कहा था कि मैं जमींदार हूँ? अगर तूने कुछ गलत समझ लिया तो मेरी क्या गलती है? जा अपना काम कर, अब जाएगा कि मार खाएगा, जा यहाँ से। ये मुनीम भी अजीब है, हमेशा मेरा कचरा करते रहता है। क्या हुआ बेटा? उसने मेरा दुपट्टा ले लिया। इधर आ। क्या है? इसका दुपट्टा क्यों लिया? दे, चल दे इसे। ये लो बेटा, तुम जाओ खेलो। अंकल। इतना छोटा सा है और लड़की को छेड़ता है। चमड़ी चमड़ी उधेर दूंगा। जा यहाँ से। जबक। देख लूंगा तुझे। आप इतनी जल्दी मंगनी रखेंगे ये मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं था। सब कुछ जल्दी जल्दी में हो गया। वैसे मेरी बेटी बहुत किस्मत वाली है। आपकी बेटी हमारे घर की बहू बन रही, यह हमारी खुशकिस्मती है, इसलिए हमने जल्दी में मंगनी रख दी। शुभेच्छा शीघ्रम, शुभ कार्य जितना जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। हाँ बिल्कुल, हम शादी अपने घर से करेंगे। आप रिश्तेदारों को लेकर हमारे गांव आइए, हम शादी बड़े धूमधाम से करना चाहते हैं। ए सुंदर, ये लोग ऐसे ही बातें करते रहेंगे, अब हम क्या करें? लड़की से कैसे मिले? लड़की अभी कहाँ पर है किसको पता है भैया? तू कुछ दिमाग लगाना यार। दामाद जी कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं साहब, भैया जरा घर देखना चाहते हैं इसीलिए। ओह, मैं तो भूल ही गया। ए, दामाद जी को ले जाकर अपना सारा घर दिखा जा। ठीक है मालिक। चलिए साहब चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आइए आइए, ये रसोई घर है, सारा घर का खाना यहीं पर बनता है। तो इन्होंने कब कहा कि यहाँ जामत होती है? ए, चल पूरा घर दिखा। चलिए आइए आइए, ये भगवान का मंदिर है, यहाँ सभी भगवान के फोटो लगे हुए हैं, पूजा भजन कीर्तन सब यहीं पर होता है। जहाँ पर जो होना चाहिए वही होता है, मुझे पता है, ज्यादा पका मत समझा, चलो और रूम दिखा। चलिए। मुझे लगा था ये मेरी तरह समझदार नौकर होगा, ये तो बेवकूफ निकला। चलिए भैया आइए 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 आइए, ये बाथरूम है, एक नंबर दो नंबर सब यहीं पर होता है। तो खाना भी यहीं खाता है क्या? अरे बाप रे, बेवकूफ तू इधर आ। अरे रुकिए रुकिए, अरे दरवाजा खोलिए, मालिक मुझे बुलाएंगे अभी। भैया एक इम्पोर्टेंट बात है, तुझे भी अंदर जाना है क्या? ऐसा नहीं है भैया, हम दोनों एक साथ कमरा ढूंढेंगे तो लड़की का कमरा नहीं मिलेगा, इसीलिए आप ऊपर जाकर ढूंढिए, मैं नीचे जाकर पूरे घर को छान मारता हूँ। अगर मुझे लड़की दिखाई देगी ना तो मैं सीटी बजाऊंगा, आप आ जाइएगा, और अगर आपको लड़की दिख जाएगी ना तो आप सीटी मत बजाना, आप मिल लेना। अंकल अंकल, दूल्हे अंकल आप ही है ना? हाँ बोलो। दीदी आपको बुला रही है। कहाँ है वो? वहाँ।
सूर्यकांत जी की दूसरी बेटी हूँ। आपकी शादी जिससे तय हुई है वो मेरी बहन है। वो किसी और लड़के से प्यार करती है, उसे आपसे शादी नहीं करनी, इसलिए ये बात आपको बताकर और आप शादी को रोक दो इसलिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं भी यही कहना चाह रहा था, मुझे भी ये शादी नहीं करनी है, लेकिन ये बात मैं अपने पिताजी से नहीं कह सकता क्योंकि वो हमेशा न्याय करते हैं। उन्होंने अन्याय किया ऐसा उन्हें नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर आपकी बहन ने कहा तो वो मान जाएंगे। वो कहाँ है बताइए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, मर गया। मुझसे पंगा लिया था ना, एसिड डाल दिया मेरी आंख में, एसिड डाल दिया, मुझे बचाओ, मेरी आंख फूट गई। हे भगवान, क्या हुआ बेटा? क्या क्या हुआ पूछ रहे हो? मेरी आंख में एसिड डाल दिया, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ एसिड डाल दिया एसिड डाल दिया, पर सब पूछ रहे हो गधे कहीं के। बापरे, किसी छोटे बच्चे ने मजाक में कोई डाल दिया होगा, उसके लिए इतना हल्ला मचा रहा है, चल जा काम कर। भैया भैया, क्या हुआ तुझे? भैया इस घर के लोग सही नहीं है भैया, आंखों में एसिड डालते हैं, यहाँ शादी करना अच्छा नहीं है। अब ये नहीं हो सकता। वो क्यों भैया, उस लड़की से बात नहीं की क्या? लड़की का कमरा नहीं मिला? मिला और लड़की से बात भी की। तो फिर क्या हुआ भैया, वो आपसे शादी नहीं करेगी ऐसा बड़े मालिक से बोल दे? आपको बताना चाहिए था ना भैया। ये नहीं होगा और वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि पता है वो कौन है? Yeah.
दिल मेरा अटकत नीली आंखों में हो गया प्यार में मैं तो दीवाना ऐसी वैसी बातें न करके पड़ जाए शर्माना शर्माएगी के पहले पहले दुल्हन शर्माएगी तड़ पाएगी कि थोड़ा थोड़ा प्रीतम को तड़ पाएगी अभी अभी महारानी जी दरिद्र कुल की ज्योति आपके कोमल पैरों को अपनी माताश्री के चौखट पर रखने का समय हो गया है क्या हुआ पौराणिक भाषा में कहां समझ में नहीं आया क्या मैं नाटक करता हूं इसलिए तुम्हें लग रहा है कि मैं कॉमेडी कर रहा हूं क्या विलन हूं कॉमेडी विलन हूं चल नीचे उतर जब से तुमसे शादी की है तब से तेरे घर वालों का रामायण ही सुन रहा हूँ मैं माल पानी तो आज तक नहीं मिला वो क्या देख रही है चल जाए यहाँ से क्या पापा कर रही है तू भी जाए यहाँ से क्या हुआ बेटा क्या हुआ तू रो क्यों रही है मैं क्या करूँ माँ हर रोज मुझे अपने माँ के घर से सोने के गहने लेके आ सोने के गहने लेके आ कह के परेशान करते रहते हैं माँ तू रो मत बेटा मैं बात करती हूँ आप ऐसा जोर क्यों कर रहे हैं दामाद जी मेरे पास पैसे होते तो आपको पहले ही दे देती ना कमाल करती है सासू माँ गाँव गाँव घूम कर भेस बदल कर डायलॉग बोलकर ड्रामा मैं करता हूँ और आप है कि मेरे सामने ही ड्रामा कर रही है ना इतनी दूर शहर से आकर मैंने आपकी बेटी से शादी क्यों की यहाँ पर 1 लाख या 2 लाख के गहने मिल ही जाएंगे सोचकर आपसे इतना भी नहीं होगा तो मैं आपकी बेटी को साथ में रखकर क्या करूँगा अपनी फूल जैसी बेटी को आप अपने पास ही रखिए और मुझे जाने दीजिए अपने घर हे भगवान मैंने क्या पाप किया है जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है एक बेटी की जुबान छीन ली दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी मैं क्या करूं कहां जाऊं भगवान कोई बताए मुझे शुरू कर दिया माँ बेटी ने एक और नया नाटक बंदर और मदारी का तमाशा देखने के लिए अब सिर्फ लोगों की भीड़ जमा होनी बाकी है रामचंद्र शुरू हो जा तू लोगों की भीड़ जमा हो रही है आइए मित्रों मेरी जिंदगी का फैसला आपको ही करना है क्योंकि आप मेरी शादी में आए 3-3 बार खाना खाए बाकी का कवर मैं पैक कर लेकर गए ना अब मेरी कहानी सुनकर मुझसे धोखे से शादी करवाने के लिए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि नहीं जीजू ये सब क्या है इसका नाम सुवर्णा है लेकिन इसने अपने बाप के मरने पर उनके मुंह में 1 ग्राम भी सोना नहीं डाला मेरी ये दुख भरी कहानी सुनने के लिए तू भी इस भीड़ में शामिल हो जा साले आपको जो भी बोलना है आप अंदर चल के बोलिए ना चलिए जीजू सुन बच्चे मैं यहाँ तेरी बकबक सुनकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए नहीं आया हूँ ये जीजा साले का सेंटीमेंट वो मेरी पत्नी है उसका कमिटमेंट इन सबको तोड़ने आया हूँ यहाँ मैं रो मत गौरी गौरी सिर्फ गौरी नाम रखने से कुछ नहीं होता डौरी डौरी भी देनी होती है बेटा ओहो क्यों भाइयों मुफ्त में ड्रामा देखने को मिल रहा सोचकर सब खड़े हैं यहाँ मैं एक मर्द हूँ अपनी तकलीफ सुना रहा हूँ मगर आप है कि कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं अगर यही डायलॉग मैं स्टेज पर मारता ना तो आप तालियां बजाकर मुझे हीरो बना देते रामचंद्र क्या नाटक लगा रखा कौन बोला ओहो श्याम राव तुम हो क्या मेरे शादी में खाना खाने के लिए रिश्ते बनाकर पूरे परिवार को बिठा दिया 11 रुपए पॉकेट में डालकर 500 रुपए का खाना ठूस कर बचा हुआ पैक करके साथ ले गया तुझ जैसे आदमी मुझसे सवाल कर रहा है मेरी किस्मत खराब है अब मैं किससे जाकर कहूँ अब मैं डिटेल में अपनी कहानी सुनाता हूँ सुनिए शादी करने से पहले मेरी पत्नी को 20 तोला गहने देंगे ऐसा वादा किया था पर नहीं दिया फिर कहा शादी के बाद देंगे फिर भी नहीं दिया उसके बाद बच्चे होने दो बच्चे के नामकरण पर जरूर देंगे कहकर ये सब लोग मुझे बेवकूफ बनाते रहे अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है और स्कूल भी जाने लगी है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी बेटी की शादी हो जाएगी उसके बच्चे हो जाएंगे लेकिन मुझे गहने नहीं मिलेंगे इसलिए मैं इनके साथ रिश्ता रखना नहीं चाहता अगर आपको मेरी बात गलत लगती है तो अपनी चप्पल लेकर मेरे मुंह पे दे मारिए लेकिन किसी तरह मुझे सोना दिलवा दीजिए जीजू अगर पैसे होते तो नहीं दिलवाते क्या है ना पूरी बैंक है साले साहब तू आज नहीं तो कल अमीर घर का दामाद बनने वाला है वो कम से कम 100 तोले के गहने तो तुझे जरूर बनवा कर दे देंगे उसमें से 20 तोले के गहने चुपचाप मेरी तरफ खिसका दे वो मैं अपनी पत्नी को पहना कर उसे चम 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 चमका कर उसकी जिंदगी सवार कर मैं भी खुशी से जिंदगी बिताऊंगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तेरे घर पर कदम नहीं रखूंगा चलता हूँ जीजू जीजू सुनिए जीजू भैया Thank you.
ए, गाड़ी रोको। इतनी रात को मंदिर का दरवाजा क्यों खुला है? ए, कौन है वहां पर? मालिक, मैं हूं मालिक। सुवर्णा, ये क्या इस वक्त तू यहां पर क्या कर रहा है? कुछ नहीं, देवी के दर्शन करने के लिए मैं आया था। देवी? इतनी रात को मंदिर खोलकर देवी के दर्शन करने के लिए? दर्शन करने का कोई वक्त नहीं होता। ए, दरवाजा बंद करके घर जाओ। चलिए। जी मालिक। अरे हे भगवान, अरे ऐसा क्यों हो गया? क्या हुआ? क्या हो गया हे भगवान? यजमान जी, मंदिर से देवी माँ के गहने चोरी हो गए। देवी के सारे गहने चोरी हो गए? देखो, कल शाम को मैं देवी माँ की मूर्ति को सजाकर पूजा करके घर पर गया। आज सुबह आकर दरवाजा खोला तो देवी माँ के गहने गायब थे। ए मुरली जी, जाकर सुवर्णा को बुलाकर लेकर आ। जी ठीक है। वो क्या है ना मालिक, रात को हम यहाँ आए थे तो सुवर्णा यहीं पर था, उसके जाने के बाद गहने गायब हो गए हैं। मतलब वो तो क्या सुवर्णा ने गहने चोरी किए होंगे? हो सकता है मालिक। कल उसका जीजा के बहुत चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि 20 तोला सोना दोगे तभी ले जाऊंगा बहन को, वरना अपनी बहन को जिंदगी भर संभालो बोला उसने। हाँ मालिक, झगड़े के टाइम पर मैं भी वहीं था। गहने नहीं देगा तो अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा, ऐसा कहा उसने। ओ, मतलब ये साफ हो गया है कि सुवर्णा ने ही गहने चुराए हैं। मुझे भी यही लगता है मालिक, आपने देखा कल रात को वो अजीब पेश आ रहा था। मालिक ने खुद ही देखा है, इससे बढ़कर साक्षी और कौन होगा? ए हटो 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 हटो, चलो हटो हटो हटो। मालिक, देवी माँ के गहने मैंने नहीं चुराए, मैं कुछ नहीं जानता। कल रात को देवी माँ के दर्शन करने मैं यहाँ आया था। सिर्फ दर्शन करने को कोई इतनी रात को आता है क्या? इतना ही नहीं मुनिम जी, रोज मंदिर का दरवाजा खुलने के समय पंडित जी के साथ ये भी आता था, लेकिन सोचिए आज ही नहीं आया। बस स्टैंड के पास खड़ा था, लगता है भागने की तैयारी में था। नहीं मालिक, मैं तो जीजा से मिलके उन्हें समझाने के लिए जा रहा था। उन्हें समझाने जा रहा था या चोरी किए हुए गहने देने जा रहा था? नहीं नहीं मालिक, मैंने गहने नहीं चुराए। मैंने ही चोरी की है, ऐसा चोर कभी नहीं कहता। अगर तुम मुझे अपनी समस्या बताते तो मैं उसे सुलझा देता। देवी माँ के गहने चुराने की क्या जरूरत थी? मैंने तुम्हें परखे बिना ही मंदिर की जिम्मेदारी सौंप कर बहुत बड़ी गलती की, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मालिक, वो मेरी परिस्थिति। परिस्थिति की वजह से तुमने मंदिर में चोरी की? दादा परदादा के जमाने से तुम्हारे ही वंशज इस मंदिर की जिम्मेदारी निभाते आए हैं, इसलिए मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूँ। चुराए हुए सारे गहने यहाँ वापस लाके रख दो, नहीं तो इस मल्लिकार्जुन से बुरा कोई नहीं होगा, समझे? मालिक, गहने चुराने की बात पूरे गांव को पता चली, जानकर सुवर्णा फांसी लगाकर मर गया। सुवर्णा, ये क्या हो गया? सुवर्णा बेटा, क्या हो गया? भैया, भैया उठिए ना भैया, मैं का मेरी सब आ गए भैया, उठिए भैया, भैया कुछ बोलिए भैया। मेरे पति की लालच की वजह से मेरे भाई की जान चली गई। हे भगवान, सब मेरी वजह से हुआ, मैं एक पापी हूँ। मेरे भाई की जान चली गई मेरी वजह से। बाप को खोकर बच्चे अनाथ हो जाते हैं, लेकिन तुझे खोकर हम सब अनाथ हो गए हैं। मालिक आप जाइए, उनको देखकर बहुत बुरा लग रहा है, हमें उन्हें दिलासा दे। मैं समझ सकता हूँ मालिक, किसी अपने को खोया है, इतनी आसानी से तो दर्द नहीं मिटेगा। आप जाइए, आप यहाँ रहेंगे तो आपको भी रोना आ जाएगा, ये सब मैं संभाल लूंगा। सुनिए जी, उस लड़के स्वर्णा ने फांसी लगा ली, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई।
मैं तेरी बेटी को लेकर के चिंता नहीं कर रहा हूँ। उस दिन जोश में आकर वो मल्लिकार्जुन के सामने मैं शादी तय करके आया था, और आज उसके सामने मेरा सर झुकने जैसा हो गया। मैं उसे बेटी देता, ऐसे में 20 तोले गहने भी तो देता, नहीं पूछा, एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, खुद फांसी लगा के मर गया और मुझे भी जीते जी मार गया। मेरी पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। भैया पेपर पढ़ रहे हैं क्या? सरकार नींद से जाग गई कि नहीं? हाँ सोई है। खैर छोड़िए, पेपर में मेरा भविष्य देखिए। संडे को भविष्य नहीं देता, देखकर बताइए ना भैया। तुम्हारी कुंडली में एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, हजारों लाखों दोष हैं। तुम्हें डेंगू हुआ है। वो देखो चिकनगुनिया तुम्हारी ही तरफ चली आ रही है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें एड्स भी है। पैर में चूहे काटने की वजह से तुम्हें प्लेग भी हो सकता है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक स्वाइन फ्लू। ओहो तुम्हें तो जॉइंटिस भी हुआ, पाइल्स भी हो गया, हार्ट अटैक भी आ जाएगा। बस 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 भैया, आपसे मैंने अपना भविष्य देखने के लिए कहा, आपने मेरी चप्पल उठाकर मुझे पीट दिया। तेरी चप्पल क्यों? मेरी चप्पल लेना। नमस्ते। ओ नमस्ते, मल्लिकार्जुन जी नहीं आए क्या? वो क्या है कि उनको थोड़ा जरूरी काम आ गया था, इसलिए उनका संदेश लेकर मुझे यहाँ आपके पास आना पड़ा। जी कहिए ना। देवी माँ के लिए सोने के कुछ आभूषण बनवाए हैं मालिक ने, उन्हें हम शुक्रवार को मंदिर में अर्पण करने जा रहे हैं, इसलिए आप और आपकी बेटी वहाँ आए, ये हमारी आपसे विनती है। हम जरूर आएंगे। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आभूषण दीजिए बहन जी, घर की होने वाली लक्ष्मी को दे दो, वो अपने हाथों से दी। क्या मैं? आभूषणं समर्पयामि। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आइए आइए आइए, नमस्ते, बैठिए। आइए नमस्ते, उधर बैठिए आइए। ए रामू, उन सबको वहां आराम से बैठा। ओम माचमन्ने नमः। ओम केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, गोविंदाय स्वाहा। ओम खाना खा लिया ना? मालिक इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। चलो। नमस्ते मल्लिकार्जुन जी। क्या बात है इंस्पेक्टर? ऐसे समय पे आपको तकलीफ देने के लिए मैं माफी चाहूंगा, आपको एक अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। मंदिर के जो गहने चुराए थे वो इस गूंगे ने चुराए थे। आज सुबह ही गहनों समेत पकड़ा गया, सारे गहने पुलिस स्टेशन में, अपने मुनीम जी को भेज के साइन करके गहने आप ले जा सकते हैं। अब मैं चलता हूँ। चलो बैठा इसे। अरे अरे, मतलब गहने हमारे सुवर्ण ने नहीं, इस गूंगे ने चुराए थे। ये क्या भाई, गलती किसी और ने की और सजा किसी और को भुगतनी पड़ी है। छी, बहुत बुरा हुआ। सच क्या है ये जाने बिना हमने स्वर्ण पे खामखा शक करके उसे मरने पे मजबूर किया। बहन जी मुहूर्त हो गया, दुल्हन को लेकर जल्दी आइए। मंगलसूत्र पहनाइए।
बजाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलम। मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करवाकर आप यहाँ अपने बेटे की शादी करवा रहे हैं, ये कैसा न्याय है? आपके गलत फैसले की वजह से मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली, हमने उसे खो दिया। अब मैं न्याय मांगने आई हूँ। वो मेरा दामाद बनने जा रहा था, बस यही एक वजह से तुमने इनके बेटे पर चोरी का आरोप लगाकर उसकी जान ले ली। देखिए, शादी के बाद हम सब आराम से बैठ के बात करेंगे। अगर मुहूर्त का समय निकल गया तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ए, तेरे लिए अगर तेरी बेटी अहम है तो मेरे लिए मेरी बेटी अहम नहीं है क्या? तेरा होने वाला दामाद सही सलामत है और जिंदा है, लेकिन मैं अपने दामाद की अस्थियां पानी में बहाकर शोक मना रहा हूँ। पूरा गांव अगर गलती करता है तो वो मल्लिकार्जुन के पास आता है। मल्लिकार्जुन अगर कोई गलती करे तो पूछने वाला कोई नहीं है, ये सोच कर इसने ऐसा किया। ए, मेरे मालिक ने क्या गलती की है जो इतना चिल्ला रहे हो तुम? बेरहमी से एक निरपराधी को अपराधी है ऐसा फैसला सुनाकर तेरे मालिक ने ये गलत नहीं किया क्या? इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, इनसे सब कुछ छीन लिया। कितनी तकलीफों से ये जिंदगी गुजार रही है, इनके आंसुओं का इनके जख्मों का बदला चुका पाएगा ये तेरा मालिक? अरे श्रीमान जी, बदला कब का चुका चुके हैं। उस परिवार को जो कुछ चाहिए वो सब देकर और उन्हें पैसे भी दिए हैं। ओह, ऐसी बात है तो तेरे बेटे को भी जान से मार कर तुझे पैसे भिजवा दूंगा। पैसे लेकर तू चुप बैठ जाएगा? मेरे बेटे नीलकंठ ने उस धोबी का हाथ तोड़ दिया, मैंने कहा मैं उसे पैसे दे दूंगा, उसे जिंदगी भर पालने के लिए तैयार था, मेरी बात नहीं सुनी। गलती करने वाले को हर हालत में सजा मिलनी चाहिए, गंदे कपड़े धो नहीं होंगे, यही मेरा फैसला है, कहा था ना आपके इस मल्लिकार्जुन ने, और आज ये खुद गलती करके बैठा है। क्या करेगा आप? तू खुद को सजा देगा क्या? जैसे सावित्री के बेटे ने खुद को फांसी लगाई, अपने बेटे को भी फांसी लगवाओगे क्या? मल्लिकार्जुन जब बोलते हैं तो पूरा गांव चुपचाप उन्हें सुनता है, और आज पूरा गांव बोल रहा है और मल्लिकार्जुन ने मौन धारण कर रखा है। कहिए मालिक, क्या हुआ? गलती की है सोचकर शर्म से सर झुकाकर खड़े हैं, या बचने के लिए कोई गलत फैसला सुनाऊं मैं ऐसा सोच रहे हैं क्या? चुप कर। सोना एक बार अपनी चमक खो सकता है, लेकिन इस मल्लिकार्जुन का गुण कभी नहीं बदलेगा। बहन, आपने अपने बेटे को खोया है, लेकिन मैं अपने बेटे के जिंदा होते हुए भी उसे खो रहा हूं। तुम्हारा बेटा जिंदा रहकर जो तुम्हारे लिए किया करता था, अब से सब कुछ तुम्हारे साथ रहकर मेरा बेटा करेगा। आज से इसी क्षण से ये मेरा बेटा नहीं, तुम्हारा बेटा। अरे, ये सब क्या है जी? ये क्या कह रहे हैं आप? एक माँ के सीने को ठंडक पहुँचाने के लिए एक और माँ के सीने में आग लगा दी आपने, पैसे दिए, जमीन दिए, और अब हमारे दिल के टुकड़े को भी दे दिया आपने। देखिए, हमारी जमीनें, हमारी संपत्ति, पैसे, सब कुछ आप इन्हें दे दीजिए, लेकिन मेरे बेटों को मुझसे मत दूर करिए, दूर मत करिए। अरे नहीं, नहीं बेटा, सुरेश तुम मत जा बेटा, मुझे छोड़ के मेरी माँ मर जाएगी। माँ, मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़कर पिताजी की सुरमा है। सुनिए जी, इसे रोकिए ना। समुदाय के एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ बुरा ना हो इस बात का ख्याल रखने का काम मेरा ही है। आज एक परिवार को न्याय दिलाने के लिए और मेरे लिए इस फैसले से आपकी बेटी के साथ बुरा हुआ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे अरे, आप बड़े हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन जी? आप जैसे इंसान का संधि कहलाना ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है।
मेरी बेटी ने सिर्फ एक अच्छी जिंदगी को ही खोया है, लेकिन आपने अपने बेटे को खो दिया। ऐसे में हमारी समस्या कोई बड़ी बात नहीं है। बेटी प्रिया, चलो घर चलते हैं। जहां जाना था वहां आने के बाद अब आप मुझे कहां ले जा रहे हैं पापा? ये क्या बेटा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं हर बात से अनजान थी। इस परिवार के बारे में मुझे हर एक छोटी बड़ी बात बताकर मेरे मन में ये घर एक मंदिर बन गया। एक लड़की की मंगनी होती है तो आधी शादी हो गई ऐसा कहते। हम दोनों ने एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया। मेरी नजर में वो ही मेरे पति है और आज से यही मेरा घर है, यही मेरा संसार है। हम जरूर मिलेंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। तब तक मैं ससुर जी और सासू माँ दोनों की बहू बनकर रहूंगी पापा। मुझे आप अपनी बहू स्वीकार करेंगे ना पिताजी? क्या माँ, तुम भी ना, कि तुमने क्या किया? तुम इसे लेके यहाँ चली आई? भैया के हत्यारे के बेटे को अपना बेटा बनाकर यहाँ लाने का तुम्हारा दिल कैसे किया माँ? भैया की जगह लेने के लिए इसमें ऐसा क्या है, इसकी क्या हैसियत है माँ? इसे यहाँ देखकर मेरा खून खोल रहा है माँ। ए, इसे बेटा बनाकर लाने के लिए मैं बांझूं क्या? इस घर में एक नौकर की हैसियत से मैं इसे यहाँ लेकर आई हूँ। इसे देखकर ना मेरी भी जान जल रही है। जिस तरह मैं अपने बेटे को खोकर तड़प रही हूँ, उसी तरह वो मल्लिकार्जुन भी अपने बेटे से दूर रहकर उसी तरह तड़पना चाहिए। इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आई। ए, तेरी परछाई भी मेरे घर पर नहीं गिरनी चाहिए। आज के बाद तू बंगले में नहीं उस तबेले में रहेगा, चल जा। मामा मामा, ये टूट गया, इसे ठीक करके दो ना मामा, मुझसे नहीं हो रहा है। क्या हुआ मौसी? तुम्हारी सासू माँ ने खाना खाया? नहीं पिताजी, मैंने उनसे बहुत कहा लेकिन वो नहीं मानी। पार्वती, खाना क्यों नहीं खाया तुमने? वनवास में गए रामचंद्र जी, 14 साल के बाद घर वापस आ जाएंगे विश्वास था, लेकिन मेरा बेटा कब आएगा पता नहीं। मैं किस उम्मीद से खाना खाऊं? मैंने अपने बेटे को राजकुमार की तरह पाला है और मेरा बेटा वहां कैसे होगा, क्या कर रहा होगा? अरे रे भैया, ये आप क्या कर रहे हैं भैया? हजारों लोगों को काम देकर कितने घरों में चूल्हा जलाया है आपने? आपको ये काम करना शोभा देता है क्या? आप हटिए, ये काम करने के लिए मैं हूं ना, आप जाइए वहां बैठिए, जाइए बैठिए, लाइए मैं करता हूं। अरे नहीं सुंदर, ये मेरा कर्तव्य है। भैया, आप तो बड़े मालिक की बात रखने के लिए आकर ये सारा काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी माँ, इसमें उनकी क्या गलती है? पूरे परिवार का पेट भरने वाली वो माँ, आप उनसे दूर चले गए तो एक दिवाला भी नहीं खा रही है, भूखे रह रही है वो। मालिक, 10 बजे फैक्ट्री में बोर्ड की मीटिंग है, जल्दी निकलना सही होगा। मुनीम जी, जिस दिन मैंने सावित्री बहन को जुबान दे दी तब से ये उनका बेटा हो गया। इसका यहाँ आना ठीक नहीं है, कहिए कि ये दोबारा यहाँ ना आए। मैं यहाँ आपका बेटा बनके नहीं आया, सावित्री जी का बेटा बनके आया हूँ। मंदिर की सारी जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए मंदिर की चाबियां लेने आया हूँ। आप गाड़ी निकलवाइए। हाँ माँ।
सूर्या, कैसा है बेटा? मैं ठीक हूँ माँ। माँ, खाने पे नाराज होना अच्छी बात नहीं है माँ। मेरी फिक्र मत करो माँ। कैसे तुम्हारी फिक्र ना करूं बेटा? तुम कैसे हो? क्या कर रहे हो? ये सोचती रहती हूँ। माँ, आपके कहने पर ही खाना खाएंगी। लीजिए। पिताजी। हाँ बेटा। कहीं जाना था कह रहे थे, बिना शर्ट पहने ही जा रहे हैं। अब मैं शर्ट लेकर आऊं क्या? हाँ ले। ठीक है पिताजी, मैं अभी आई। हाँ पिताजी। पिताजी वो आप माथे पर टीका लगाए बिना जा रहे हैं। एक मिनट रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। पिताजी, आप बाहर जाने से पहले एक लोटा पानी पीकर जाते हैं ना? एक मिनट रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, लेके आ जाओ। ये लीजिए। क्या हुआ बेटी? हाँ? तुम्हारी सासू माँ ने खाना खा लिया? ये सिर्फ मंदिर की चाबियां नहीं है, एक परिवार की इज्जत है। इसकी रक्षा तुम अच्छे से करोगे, मुझे यकीन है। परिवार की इज्जत की रक्षा कैसे करते हैं ये मेरे पिताजी ने मुझे अच्छी तरह से सिखाया है। मैं चलता हूँ। रोको रोको, रामपुर आ गया। रामपुर वाले जल्दी जल्दी उतरो, चलो चलो जल्दी जल्दी उतरो। भाई आराम से उतरिए, सीढ़ी टूट जाएगी। अपने बाप की वो समझ के बैठा था। चलो आगे बढ़ो। नाचो नाचो नाचो, अरे वाह। वाह रे वीरभद्र, ओपनिंग तो धमाल लग रही है। तो जेल से छूटा है, पूरे गांव को पता चल गया क्या? हाँ, बैंड बाजा फुल सेटअप के साथ पूरी गैंग आ रही है तेरे पास। मजा उठा मेरे राजा। इधर आ। क्या है? क्या रे भाई, इधर खड़ा है। और तू कहाँ जा रहा है? तुम भाई हो या किसी मटन की दुकान के कसाई हो, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरे दादाजी पहाड़ सिंह, उनके दादाजी चट्टान सिंह चल बसे हैं, उन्हीं के लिए मैं अपने पूरे गैंग के साथ ये हार लेकर उनकी अंतिम यात्रा में जा रहा हूँ। तुम कौन हो? पहाड़ सिंह के दादा के बाबा क्या? हाँ। मुंह तोड़ दूंगा तेरा। भाई को हार पहनाने की बजाय लाश को हार पहनाने जाएगा? मेरे को पहना। ए, दिमाग खराब हो गया क्या? लाश को पहनाने वाली हार खुद पहनना चाहते हो? साइड में हो जाओ वरना सुला दूंगा। ए, तुम लोग क्यों चुप हो गए, बजाते रहो। बजाओ बजाओ रे, चल बना। रुक जाओ रुक जाओ। सब लोगों ने भाई की बहुत इज्जत की, मुझे बहुत खुशी हुई। सारे फंटर लोग अपने घर को निकल लो। मैं अपनी बहन के घर चला। चुप बैठ।
वरना बहुत मारूंगा। दीदी दीदी दीदी, हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे बहन, ये क्या हो गया? हमारे सुवर्णा ने ये क्या किया दीदी? हाँ वीरभद्र, हम सबको अकेला छोड़कर वो चला गया। मेरे सुवर्णा, हम सबको छोड़ के कहाँ चला गया? अब क्या होगा हमारा? जो होना था हो गया, तुम चिंता मत करना। इस घर में मर्द नहीं है ऐसा मत समझना। मैं आ गया हूँ ना, मैं देख लूंगा। तू कितना दुबला हो गया है ना। हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता हूँ दीदी। जब भी दीदी गौरी ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ। अच्छा दीदी, हाँ? वो कावेरी है ना? दीदी, हाँ? किसी बड़े आदमी को काम पे रखा है ना, वो कहाँ है? वो देख वहाँ। hey, तेरा नाम क्या है? hey, गौर क्या रहा है? भाई भाई, नाम पूछ रहा है तेरा, नाम बता तेरा। सूर्या। सूर्या? ऊपर से सीधे नीचे आ गया। नाम सूर्या है, सोचकर जलाने मत जाना, नहीं तो खुद जल के राख हो जाएगा। भाई आ गया है ना, सब कूल रहेगा। मैं कौन हूँ पता है? हाँ? भद्र, वीर भद्र। ऐसे क्या देख रहा है बे? मैं स्वर्णा का चचेरा मामा हूँ। भाई बस में सफर करके बहुत थक गया है। भाई के लिए चारपाई और बिछोने का बंदोबस्त कर। अगर आज मेरा स्वर्णा भांजा होता ना, तो कहने से पहले ही चारपाई डाल चुका होता। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अब जरा पैर भी दबा देगा तो और अच्छा लगेगा। ए, पहुंच क्या दे रहा है? जा अपना काम कर ना? मालिक, ये छोटे मालिक की शादी का एल्बम। अंदर जाकर दे दो। मालकिन, हाँ? ये मालिक ने आपको देने के लिए कहा, मैं चलता हूं। चंदा ओ चंदा, तू मेरा चंदा, संग तेरे आए मन को आनंदा। चंदा ओ चंदा, तू मेरा चंदा, संग तेरे आए मन को आनंदा। चांद की चांदनी, राग की रागनी, ऐसे मैं भी पिया हूँ तेरी संगिनी। चंदा ओ चंदा, तू मेरा चंदा, संग तेरे आए को आनंदा। चेहरा रंग सुनहरा, जुल्फे हैं घटाओं सी, प्यार मिला है मुझको तेरा, तेज धूप में छाओ सी। तू भी मेरे मन मंदिर में बसा है, पागल जैसे प्यार है मेरा, तेरी पूजा मेरा मोहन जैसे। धड़कन मेरी दिल में मेरे तेरा ही नाम जपे, सकून तेरे बिन एक
सांस भी चांद की चांदनी राग की रागनी ऐसे मैं भी पिया हूँ तेरी संगिनी चंदा ओ चंदा तू मेरा चंदा संग तेरे आए मन को आनंदा रसाया हूँ एक इशारा पाके तेरा दुनिया छोड़ आया हूँ मन ये चाहे शाम सवेरे तेरे साथ रहूं फूल सा चेहरा दिल भर तेरा यूं ही देख करूं चांदनी राग की रागनी हर जन्म तू रहे बस मेरी संगनी प्यार की राह में एक तू और मैं तू मेरी आरजू हूँ तेरा मैं जुनू दमाद जी वाह 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 इतने प्यार से पुकारने के बजाय अगर आप मुझे माल पानी दे देते तो मुझे ज्यादा खुशी होती देखना कौन आया है आप आइए ना आप ठीक है ना ऐसे कैसे ठीक हो सकता हूँ मैं उसका क्या हुआ ये आप क्या कह रहे हैं आहा स्टेज पर खड़ा कर दिया ना तो दोनों माँ बेटी स्टेज को हिलाकर रख देंगे देखो अब ज्यादा नाटक मत करो 20 तोले सोने के गहनों का क्या हुआ गहने गहने करके आप क्यों परेशान कर रहे हैं मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी यहाँ तो हम पेट भर खाना भी नहीं खा पा रहे हैं शाबाश आप तो कहानी बनाने में भी बहुत माहिर हैं फिलहाल आपको किस बात की कमी है पूरे गांव का पेट भरने वाले महाशय को घर में लाकर रखा हुआ है सबको भर भर के देने वाले से मुझे थोड़ा छीन छीन कर दे देती तो मैं भी अपने इस सोना को सोने से सजा कर मस्त डुएट गाना गा सकता था आपने तो आपके बेटे के बदले में दूसरा बेटा एक्सचेंज कर लिया आपकी लाइफ तो चेंज हो गई, लेकिन मेरी लाइफ में कोई चेंज ही नहीं आया मुझे माल तो मिला ही नहीं ताश खेलने क्लब में जाता हूँ तो सब मुझे जोकर समझ लेते हैं सिगरेट लेने जाता हूँ तो दुकानदार सिगरेट पीकर धुआं मेरे मुंह पर उड़ाता है दारू पीकर टेंशन दूर करने के लिए बार में जाता हूँ तो सब शराबी मुझ पर उल्टियाँ कर देते हैं जबान से पलटने वाले लोगों की बेटी से शादी क्यों की साले गधे के बच्चे बोलकर सब मुझ पर थूकते रहते हैं ये बेइज्जती मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा लेकिन दमाद जी आप मेरी बात बस हो गया बस हो गया आपकी बात सुन सुनकर मेरी सहन शक्ति मुझे छोड़कर जा चुकी है तन्हा दिल अकेलापन और उम्र भी बढ़ती जा रही है देखिए मैं आपको 6 दिनों की मोहलत देता हूँ तब तक 20 तोले के गहने बनाकर आपकी बेटी को घर में भेज दीजिए नहीं तो आज भी मुझे 60 तोले के गहने देकर धूमधाम से मेरी शादी करवाने के लिए एक और मालदार पार्टी तैयार बैठी है 6 तारीख का मुहूर्त है आपको भी शादी का कार्ड भिजवा दूंगा शादी में आकर आशीर्वाद देकर खाना खाने आ जाना मैं अब आता हूँ नहीं चलता हूँ जब देखो रुकते रहते हैं कोई मिलने वाला नहीं है समझ रखा है क्या तो जब भी आता हूँ एक ही बात सुनने को मिलती है ये गाड़ी भी खटारा हो चुकी है शादी के बाद सीधा गाने लूंगा मैं जब तक सोना मेरे हाथ में नहीं आएगा तब तक माँ बेटी कोई मेरे पास नहीं आएंगे भाग यहाँ से पापा पापा मुझे भी आपके साथ आना है एक बार कहा समझ में नहीं आता क्या भाग यहाँ से पापा दीदी क्या हुआ दीदी तुम ऐसे बैठ के क्यों रो रही हो
क्या बताऊं वीरभद्र, अगर कुछ दिनों में 20 तोले गहने नहीं दिए तो दूसरी शादी कर लूंगा ये बोल के गया है। कहां से लाऊं मैं 20 तोले सोने के गहने? अब तो मेरा बेटा भी नहीं है जो हमारी मदद कर। ऐसा कहा उसने? उस काले भैंसे को 20 तोला सोना चाहिए हा? उसे क्या लगता है कोई पूछने वाला नहीं है? मैं उसका वो हल करूंगा, वो सीधे गौरी के पास आएगा, नहीं तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए! 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 ए रामचंद्र, कहाँ बे तू? रामचंद्र, ड्रामा कंपनी खोलकर हमारे साथ ही ड्रामा करता है बे। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। क्या रे वीरभद्र, क्या चीज है तू जानता नहीं है क्या? मेरे दीदी के घर जाकर नाटक करता है हा? तुझे कोई बोलने वाला नहीं ऐसा समझ रहा है क्या? तू शादी करेगा, घर बसाएगा, बच्चे पैदा करेगा, बाद में वो ठीक नहीं है बोलकर दूसरी शादी करेगा और हम तेरी शादी में आकर खीर चाटते रहेंगे क्या? देख, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये अच्छा है, ब्रांड चेंज करके भी फ्रैंक है यहाँ। आई लाइक इट, आई लाइक इट। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ही थोड़ा इमोशनल हो गया था। लोग शादी क्यों करते हैं? मुसीबत की घड़ी में अपने पत्नी के गले का, कान का, नाक का बेचने के लिए है ना। अब वो आपको सोने के गहने नहीं दे रहे हैं तो दूसरी शादी करने में क्या हर्ज है? थोड़ा ज्यादा डालिए, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अरे म्युनिसिपैलिटी के पानी की तरह रुक रुक क्यों डाल रहे हो भाई, थोड़ा ज्यादा डालना। बस मेरे हिसाब से बेटी की खुशी के लिए एक माँ को सब कुछ बेच देना चाहिए। इसके बाद आपको गलत ठहराएंगे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपकी कोई गलती नहीं है भाई। नहीं नहीं नहीं, ग्लास में नहीं, पूरी बोतल दे दो। पांच दिन का टाइम देकर बहुत बड़ी गलती कर दी। कल का मुहूर्त अच्छा है, फटाफट शादी कर लो। प्लीज। तेरी शादी में मैं बॉडीगार्ड रहूंगा, ठीक है ना? आज बहुत खुश हूँ। नाम वीरभद्र है। आधी बोतल गटकते ही वहीं पर ठंडा पड़ गया वो। अब शादी करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हे, एक के बाद एक, एक के बाद एक सब आते जा रहे हैं। यहाँ मैंने कोई धर्मशाला खोल रखी है क्या? किस लिए आए हो? इंसाफ करने आया हूँ। गौरी को छोड़कर तुम दूसरी शादी करने जा रहे हो, ये गलत नहीं है क्या? बहन बहुत तकलीफ में है, जानकर आ गया उसका भैया हीरो बनकर। नाटक में रोल चाहिए तो बोल, दे दूंगा। कोई भी समस्या हो बात करके ही सुलझती है। ओहो, कॉम्प्रोमाइज क्या? गांव का बहुत बड़ा आदमी है तेरा बाप, अगर तेरा बाप चाहे तो एक मिनट में समस्या सुलझा सकता है, क्या कहता है? मर्द वही होते हैं जो अपनी कमाई से अपनी पत्नी को पाले। तेरी मेहनत के पैसे से उसे श्रृंगार करना चाहिए कि नहीं? मैं कैसे ये ला वो ला कह के तू उसे परेशान करता था? तू ये ठीक नहीं कर रहा है, एक बार सोच ले। सोच लिया, मुझे गलत नहीं लगा। देख, तेरा डायलॉग सुनकर अपना कैरेक्टर चेंज करने वाला आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं। अगर मुझे सोना मिलाना तो ही मैं अपनी पत्नी को अपनाऊंगा, नहीं तो 6 तारीख को शादी और उसके बाद सुहाग रात। भाई की बात तो समझ में आ गया। आग अगर चूल्हा जलाती है तो चिता भी जलाती है, समझ गया ना? गौरी, हाँ? इस बबार मंदिर में देवी माँ को 100 नारियल चढ़ाएंगे। माँ ने हमारी सारी प्रार्थना सुन ली। ए, उसमें रख। सुन, देवी माँ ने ही तेरे पति का मन बदल कर तुझे अपने साथ घर ले जाने के लिए कहा है। ले बेटा, मेरा प्यारा बच्चा। गौरी, हाँ? जल्दी आओ, घर पहुँचने में रात हो जाएगी, बहुत दूर जाना है। देख, पति की बात मानकर अच्छे से रहना। ये ले, इसे रख। ये लो, उन्हें दे दो। सदा खुश रहना बेटी। अरे रे रे,
ये क्या है दामाद जी, रिवाज के अनुसार तो रिवाज निभाते बैठेंगे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं बड़ा दामाद हूँ ना, तो उस नाते से मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। ए, क्या अब चलो भी। हाँ। चलो चलो जा बेटा, चलती हूँ सदा, शहर में दिलवा दूंगा। हाँ ठीक है। नमस्ते भैया, हम अपने घर जा रहे हैं। बेटा मामा को टाटा करो ना। टाटा मामा। ए अम्मा, किसी को भी देख लिया तो टाटा करती है, और आप भी बच्चे से किसी को भी टाटा करने के लिए बोलते हैं। आप जानते नहीं क्या, ये हमारे घर में काम करने वाला नौकर है, हम इससे बात करें इतनी इसकी औकात नहीं है। चलिए देर हो रही है। ये दो मुझे। इंसान को पहचानने में मैंने गलती की, तू भी कर रही है। अब चलो जल्दी से, आ बेटा तू बैठ। देखो कैसे घूर रहा है, कितने दिनों के बाद मेरी बेटी अपने पति के साथ अपने घर जा रही है, और ये है कि नजर लगा रहा है। देवी माँ से प्रार्थना करके नजर उतारनी होगी। ए दीदी। हाँ? तुम्हारा दामाद आकर गौरी को लेकर गया क्या? हाँ, तुमने ऐसा क्या किया मुझे नहीं पता, दामाद जी आए और बिना कुछ पूछे पत्नी और बेटी को साथ लेकर चले गए। तू कितना अच्छा है वीरू। सुन तू हाथ मुंह धोकर आ, मैंने खाने में खीर बनाई है, अगर खा ले। हाँ जल्दी आ। ये कैसे हो गया यार, इससे पट्टी पढ़ाकर मैं इस बात को घुमाने की सोच रहा था, और यह है कि कोई और कहानी बता रही है। ये किसका काम हो सकता है? ये काम इसका लगता है। ए, क्या रे, ज्यादा शान पट्टी दिखा रहे क्या? क्या किया, ये सब तूने ही किया है ना? क्या किया तूने, जाकर उसके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाया क्या, या फिर बाप के पैसे देकर उससे समझौता कर लिया? अगर मैं होता ना तो उसे पकड़कर सटासट 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 धो डालता। इस भाई वीरभद्र की बात ही कुछ और है। ए, तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? एक बुजुर्ग आदमी मरकर डेड बॉडी बनकर पड़ा हुआ है। झूमो नाचो करके गाना गा रहे हो तुम लोग। ए, कुछ पता नहीं है तो चुप बैठो। मेरा ये बाप मरने से पहले टीवी लेने की आस लगाए बैठा था, मैं किसी तरह टीवी लेकर आया और इन्हें एक सीरियल दिखाया, वो सीरियल देखते देखते मेरा बाप रो रो कर मर गया। उनकी आत्मा को शांति मिले इसीलिए उन्हें टीवी दिखा रहा हूँ। पिताजी आप टीवी देखिए। पिताजी बेटा, घर में लाश रखकर सोना अच्छा नहीं होता, परिवार के लिए बुरा होता है। चलो टीवी देखो। अगर घर में लाश रखकर सोना अच्छा नहीं है तो किसी भी एक्शन हीरो की एक्शन फिल्म टीवी में लगा लो और उसका फाइटिंग सीन देखते बैठो। एक बढ़िया वाली फाइटिंग फिल्म लगाओ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, अरे क्या बात है, अरे अरे क्या बात है, क्या फाइटिंग सीन है, अच्छी फाइटिंग है, वाह क्या बात है, क्या बात है, मारो मारो अगर रहिए समझाओ ऐसे, फाइट फाइट, वाह वाह वाह, अरे बाप रे, अरे बाप रे, हीरो की तलवार गिर गई, अब क्या करूं, अरे रे तलवार गिर गई, तलवार गिर गई, तलवार दो भाई, चिंता मत करो मैं तलवार लेकर आ रहा हूँ, ये लो ये तलवार पकड़ो भाई। अरे 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 किसी को दिया, पागल है क्या, चलो मजाक किरकिरा कर दिया, हे भगवान रुक यार, अरे पिताजी के लिए लाई हुई टीवी फोड़ दी, अब इसको भी फोड़ डालो, अरे 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 अरे। नारियल बेचकर जो 9 लाख मिले थे वो इसमें है, ये रखिए। पार्वती को रखने के लिए कह ठीक है मालिक। मालकिन मालकिन, मुनीम जी वो तो पूजा करवाने मंदिर गई हैं। पूजा? आज मंदिर में ऐसा क्या खास है? वही, आज छोटे मालिक का जन्मदिन है ना, इसलिए मालकिन पूजा करवाने गई होंगी। हर साल सूर्य चाहे कहीं भी हो
अपना जन्मदिन मेरे साथ ही मनाता था, पर आज इसी गांव में रहकर वो मुझसे मिलने तक नहीं आया। आप चिंता मत कीजिए, वो जहां भी हो सदा खुश रहे ऐसी प्रार्थना कीजिए। सूर्या तू ठीक है ना बेटा? ठीक हूँ माँ। तू मुझसे मिल नहीं पाएगा ये सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। माँ हर साल मेरे जन्मदिन पर तुम्हें खुश देखता आ रहा हूँ, आज भी तुम्हें खुश रहना होगा माँ। सूर्या मेरे बच्चे तू ठीक है ना बेटा? तुझे किसी की नजर ना लगे, ये प्रसाद ले सब ठीक हो जाएगा। बहुत खूब, गांव वालों के सामने इसे सावित्री का बेटा बोलकर अब यहाँ चोरी छिपे रिश्ता निभा रही हो क्या? देखिए आज कुछ मत बोलिए, आज इसका जन्मदिन है, इसे प्रसाद तो खाने दीजिए। ओह, लेकिन इसे प्रसाद खिलाने वाले आप कौन हैं? इसका और आपका संबंध क्या है? मल्लिकार्जुन जी आइए, माँ और पत्नी को पहले भेजकर जैसे तुमको कुछ पता ही ना हो ऐसे पेश मत आइए मालिक। उस दिन आपने सच में इसे सावित्री का बेटा ही बनाकर भेजा या इसी गांव में वो रहेगा, जब चाहे तब एक दूसरे से मिल सकते हैं, ये सोचकर बेवकूफ बनाया। दी हुई चीज वापस लेना आप जैसे महान लोगों की नजर में गलत नहीं है क्या? हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? मेरी बेटी को भगाकर उससे शादी की और उसे तड़पा तड़पा के मार डाला तूने। आज हम सब एक साथ है ये देख के तुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? तू किस जन्म का बदला ले रहा है? तू कभी खुश नहीं रहेगा, तेरा सत्यानाश हो जाएगा। ए बुढ़िया, हे विष्कंठ, माँ दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो ये मल्लिकार्जुन जिंदा नहीं रहेगा। एक फैसले के कारण क्यों बिखरा सबका जीवन, टूटे सपने छूटे अपने रो रहा है मन। पल में बदला सब कुछ है पास नहीं अब कुछ, टूटे सपने रूठे अपने रो रहा है मन। मन में है भावना सबके लिए प्रेम की, प्रभु सेवा यही धर्म है, क्यों उसकी आंखों में आंसुओं की धार, दुख सहे इस तरह उनका परिवार। एक फैसले के कारण क्यों बिखरा सबका जीवन, टूटे सपने छूटे अपने रो रहा है मन।
टूटा है बंधन, आस है सास के होने तक। कौन पिता का निभाए खुशी खुशी ये संतान का फर्ज तो है। सूरज डूबते फिर से निकल जाएगा आंगन में मेरे, अब कब सवेरा आएगा। जो हमसे रूठा है क्या वो वापस आएगा। बेटे का जन्मदिन है जानकर ममता जागी और मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई मुझसे। मेरी वजह से आपको सबके सामने सिर झुकाना पड़ा, मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक से काम करो रे। अंगना में बाबा दुआरे पे माँ, कैसे आए गोरी हम तोहरे घर माँ, कैसे। ए वीरभद्र, तूने दूल्हे की तरह कपड़े क्यों पहने हैं? हाँ, तुझसे शादी करने की सोच रहा हूँ, चलेगी मेरे साथ क्या? ए तू जा यहाँ से, चल काम कर अपना, चुपचाप चल। आह आह, ए क्या रे, ऐसे कैसे आया है? खेत में काम करने वाला नहीं लग रहा है तू, पैंट ऊपर करके कीचड़ में उतर। ए ऐसे क्या देख रहा है? ओहो, मेरे कपड़े देख रहा है क्या? व्हाइट शर्ट है, व्हाइट धोती है, सब तेरा ही है, मुझे पसंद आ गया तो मैं पहन लिया। उतर उतर। ए, मेरी चप्पल गंदी हो गई है, थोड़ा पानी डाल के धो दे। मेरा सुरना होता ना तो अच्छी तरह पैर धोकर पोंछ देता। धो दो। जल्दी जल्दी कर, लगता है तेरे बाप ने तुझे काम नहीं सिखाया क्या। रमेश एक कोल्ड ड्रिंक देना। कहाँ चला गया, दुकान में कोई नहीं है क्या? एक्सक्यूज मी सर। कौन है बे? मैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सर सर डरिए मत सर, मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। उस दिन जो हुआ उसका बार बार अफसोस होता रहा मुझे, अब मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। कहिए सर क्या चाहिए? अच्छा तुम यहाँ कैसे आ गए? सर कटिंग शॉप बेचकर ये दुकान ले ली, अब मैं ही इस दुकान का मालिक हूँ। अच्छा हाँ सर। जरा एक बार पीछे घूमना सर। क्या सर शर्ट फटी है क्या, देख रहे हैं क्या? मैंने आपसे कहा ना सर मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। हो सकता है, तीन तीन महीने में छह छह महीने में सीएम चेंज हो जाते हैं, तुम चेंज हो गए तो कौन सी बड़ी बात है। शुक्र है हे भगवान ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी सर, ये एड्रेस कहाँ आएगा बताइए। फिर से एड्रेस। सर मैंने आपसे कहा ना कि मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूँ, भरोसा कीजिए सर। ये लीजिए, ये एड्रेस कहाँ है बताइए, लीजिए ना सर, बताइए कहाँ है बताइए ना। बराक ओबामा, व्हाइट हाउस, वाशिंगटन, यूएसए। सही टाइम पे आके आपने मेरी जान बचा ली भैया, एड्रेस कहाँ का है पूछ के मेरी जान खा रहा था ये। अरे रमेश तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरे प्राइवेट पार्ट पे पैर रख के दबा रहा था, ऐसे में मैं कैसे बताता भैया, आप ही इसको संभालिए। रमेश 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 रुक जा, बता एड्रेस कहाँ है। पता नहीं आज मेरा क्या हाल हो गया। जल्दी बता, एड्रेस तो अपनी जगह पर ही है। वो मुझे भी पता है। पता है तो क्यों पूछ रहा है भाई? जवाबदारी है तेरे में, जवाबदारी है। अमेरिका वाले और ओसामा बिन लादिन आपस में लड़ रहे हैं, अगर वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो तू क्या खाएगा? खराब पड़ी हुई गन या बुलेट ढूंढ ढूंढ कर खाऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं रहूंगा। मुझे ये सब ठीक करना है। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ भाई? मुझे उन दोनों से मिलना है और दोनों के बीच सुलह करना है। बता अमेरिका के लिए कौन सी बस जाती है? बस अमेरिका के लिए कोई बस नहीं है। तो फिर भाड़े की साइकिल ले लेते हैं, पेट्रोल तुझे डलवाना होगा।
तू हंस क्यों रहा है? मैं हंस रहा हूँ क्या? ए बजरंग बली मुझे बचाओ। उसका एड्रेस तुझे पता ही होगा। मर गया क्या? कल आकर तुझे जिंदा करूंगा। हेलो एक्सक्यूज मी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये एड्रेस कहाँ आएगा जरा बताएंगे क्या? बाप रे, मैं मर गया तो मुझे चीता से उठाकर मुझे मार मार कर एड्रेस पूछेगा ये। तू जिंदा हो गया? अरे बाप रे, फिर आ गया, चलो भागो। ए कावेरी, कावेरी माँ कहाँ है? माँ माँ, अच्छा ठीक है। कावेरी, इसे ऐसे नहीं घसते, मैं बताता हूँ। ऐसे ऐसे ऐसे। कावेरी क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इतनी सी बात के लिए कोई गुस्सा होता है क्या? तू इतना शर्मा क्यों रही है? बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन इस घर पे अगर किसी ने भी नजर डाली तो ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं। इस वीरभद्र पे तूने हाथ उठाया, अब देख तेरा क्या हाल करता हूँ। सुनामी के आने से क्या होता है, अब दिखाता हूँ तुझे। सुनामी के कहर से तू लोग फिर भी बच जाते, लेकिन सूर्या के कहर से तूने। Thank you.
बस 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 मुझे छोड़ दो मालिक, मुझसे गलती हो गई, मैं कबूल करता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। आपके पैर गंदे हो गए हैं। जा, माफ किया। ओए, अगर तू सूर्यास्त के बाद सूर्या को नजर भी आया ना तो जला दूंगा। एक भाई होने के नाते मैंने कर्तव्य निभाया है, ये बात किसी को मत बताना बहन। दीदी, मैं शहर जा रहा हूँ। दीदी, शहर जा रहा है? ऐसे अचानक जा रहा है, क्या हुआ तुझे? मेरा जाना ही बेहतर है दीदी, तुम नहीं समझोगी, मैं रात को सूर्य के दर्शन नहीं करना चाहता। नहीं बाबा नहीं, मुझे जरूरी काम आ गया है, मैं जा रहा हूँ दीदी। क्या हुआ, ऐसे लंगड़ा कर क्यों चल रहा है तू? वो क्या है ना, सूर्या से पंगा ले लिया और चक्कर खाकर गिर गया बस। ए वीरभद्र, कावेरी से तो मिलकर जा बेटा। कावेरी से आता हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, मैं जाता हूँ बहना। पागल हो गया है क्या, भांजी को बहन बोल के जा रहा है? उसे लग रहा है कि मेरा दिमाग खराब हो गया है। दिमाग खराब नहीं हुआ है, टाइम खराब हो गया है, जल्दी से निकल ले। डर गए क्या वीरभद्र? वीरभद्र नहीं भाई, सिर्फ भद्र कहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो जाओ यहाँ से। ऐ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। माँ, पार्वती कहाँ है? श्याम ठाकुर जी के यहाँ बच्चे के नामकरण पे गई है, बस अभी आती ही होगी। बहू भी नहीं दिखाई दे रही। क्या बताऊँ बेटा, रोज सुबह उठती है, ठंडे पानी से नहाती है और मंदिर जाकर प्रार्थना करती रहती है। ऐसा क्यों करती है पूछो? आपकी भलाई के लिए, सूर्या की भलाई के लिए मैं ऐसा करती हूँ बोलती है। वो शहर में पली बड़ी है, उसकी तकलीफ मैं नहीं देख सकती। उसे तेज बुखार आया है, दवाई लेकर सोई है। तुझे ही उसके बारे में कुछ सोचना होगा बेटा। मालिक यहाँ आपके बेटे को अपने साथ ले जाने के लिए नहीं आए हैं। वो क्या है कि छोटे मालिक सूर्या से ही शादी करूंगी बोलकर मालिक के घर में एक लड़की उनकी राह देख रही है। सबकी भलाई सोचने वाले हमारे मालिक उस लड़की को भी न्याय दिलाने की इच्छा जता रहे हैं, इसलिए मालिक खुद चलकर यहाँ आपकी चौखट पर आए हैं। मंगलसूत्र पहनाने से पहले ही आपने शादी रोक दी, नहीं तो छोटे मालिक के साथ ही वो लड़की भी इसी घर में आती। हाँ बहन, आपकी भी तो दो बेटियां हैं, एक लड़की की परेशानी क्या होती है ये हमसे बेहतर आप जानती हैं। भगवान के लिए मान जाइए, मना मत कीजिए। अच्छा समझाते हो तुम लोग, सावित्री जी मान गई तो तुम लोग शादी करवा दोगे? ये गांव के बड़े आदमी हैं, ये मल्लिकार्जुन जी, इन्हें बीच में ब्रोकर बनने की क्या जरूरत है? आप क्या बोल रहे हैं पता है? तू अपना मुंह बंद कर, मैं सब सोच समझ कर बोल रहा हूँ। सावित्री जी के बेटे से मैंने अपनी बेटी की मंगनी करवाई थी, और वो भी इंसानियत के देवता इस मल्लिकार्जुन जी के सामने ही तो हमने रिश्ता जोड़ा था। वो बात आपके मालिक भूल गए होंगे, मगर सावित्री जी भूली नहीं होंगी। वो सब ठीक है, लेकिन अब तो सावित्री जी का बेटा ही नहीं रहा ना। किसने कहा, किसने कहा वो नहीं है? उस दिन तेरे मालिक नहीं कहा था आज से सूर्या मेरा बेटा नहीं है, सावित्री जी का बेटा है। सुवर्णा जो काम किया करता था आज से वो सारा काम सूर्या करेगा। इन्होंने ये फैसला पूरे गांव वालों के सामने ही तो सुनाया था। इसका अर्थ ये हुआ, दुनिया इधर की उधर हो सकती है लेकिन मल्लिकार्जुन की जुबान झूठी नहीं हो सकती। अगर ये साबित करना ही है तो सूर्या ही ना इस घर का बेटा है, और इस घर के बेटे से मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ है। ऐसे में मेरी बेटी को ही इस घर की बहू बनना चाहिए।
ये कैसी बात कर रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ पता है क्या? मालिक के घर में वो लड़की कितनी तकलीफ झेल रही है पता है क्या? इनके घर में एक लड़की तकलीफ झेल रही है, अगर मैं ये सोचने लगा तो मेरी बेटी का क्या होगा? अरे जा, इस बात का फैसला ना तो तू करेगा और ना तेरा मालिक करेगा। जिसे फैसला करना है वो सावित्री जी आप ही बताइए, रुकी हुई शादी होनी चाहिए या मंगनी हुई लड़की के साथ होनी चाहिए? बोलिए ना। विष्कंठ जी की बात सही है, जिससे मंगनी हुई है उसी लड़की से शादी होनी चाहिए। सावित्री बहन आप ही कैसी बातें कर रही हैं? कम से कम आप तो पुनीम जी। अब यहाँ पर क्यों खड़े हो? फैसला हो चुका है, जाओ 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 यहाँ से। प्रिया बेटी के मन की इच्छा पूरी करने के लिए ही मालिक वहां गए थे, लेकिन वो खुशी किसी और लड़की के आंचल में चली गई। पिताजी, मैं तुम्हें अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं हूं। एक सुहागन का सिर्फ सिंदूर मिटाने से वो ये बात बर्दाश्त नहीं करती। ऐसे में जिंदगी भर के लिए तुमने अपने मन में जो खुशियां रखी थी वो मेरे हाथों से मिट गई बेटा। नहीं पिताजी, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। एक बार चट्टान टूट कर बिखर सकता है, लेकिन आपका सर कभी नहीं झुकना चाहिए। आप मेरी फिक्र मत कीजिए पिताजी, मैं हमेशा खुश रहूंगी। क्यों ना चाहे मुझे अपनी मनचाही जिंदगी ना मिले, मैं बस उन्हें याद करके जिंदगी गुजार लूंगी। यही मेरे लिए काफी है पिताजी। अर्जुन को बाहर आने को बोलो, उनसे कहो कि विष्कंठ जी आए हैं। उस दिन इसी जगह पे खड़े होकर अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से तय करने आया था मैं, तब तुमने मना करके मेरी बेइज्जती करके वापस भेज दिया था। उस दिन जो शादी नहीं हुई थी आज होने जा रही है तुम्हारे बेटे से। नहीं 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 नहीं, सावित्री जी के बेटे से मेरी बेटी की शादी होगी। इस गांव में हर किसी की शादी तुम अपने हाथ से करवाते हो ना, और अभी शादी को भी करवाने के लिए आपको आना ही होगा। आना ही होगा मल्लिकार्जुन जी। ओ नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए। नमस्ते। ओ श्याम ठाकुर जी, आइए आइए आइए। अरे हाँ? आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? आप अपने लोगों को खाने के लिए लेके जाइए और आप भी खाना खाइए। ओम नारायणाय नमः स्वाहा। भैया मुहूर्त का समय हो रहा है, ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए। स्वागत है स्वागत है स्वागत है मल्लिकार्जुन जी का। मुझे लग रहा था कि आप नहीं आएंगे, पूरा गांव यहां कह रहा था कि
मल्लिका अर्जुन जी शादी में हरगिज नहीं आएंगे। लेकिन मैं मान गया आपको, आने के लिए बहुत शुक्रिया। ए मल्लिका अर्जुन जी को आगे की सीट पर बैठाना ताकि सबको देख सके। मैडम आइए। माँ? हाँ आ गौरी, आइए दामाद जी। क्या सासू माँ, इतनी बड़ी शादी में मुझे न्योता नहीं दिया, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये कोई हमारे घर की शादी है क्या? मेरे बेटे की जगह पर कोई और दूसरा है, यही सोचकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप जानते हैं? आप ये कैसी बात कर रही हैं? अगर वो पराया होता तो हमारी भलाई कभी नहीं चाहता। 20 तोले गहने मांगने वाले मुझ जैसे इंसान को समझाया, सिखाया और अपनी पत्नी और बेटी को घर ले जाने का रास्ता दिखाया उस सूर्या ने। उस दिन इसे छोड़कर मैं किसी और से शादी करने जा रहा था तो मुझे तरीके से समझाकर दोबारा मेरा घर किसने बसाया? उसी सूर्या ने। मैंने सोचा था ये सब मेरे भाई वीरभद्र ने किया है। वो कितना घटिया इंसान है आप जानती ही कहाँ है। इस बेचारी लड़की का अकेले होने का फायदा उठाकर बलात्कार करने जा रहा था आपका वो भाई। हाँ? उस दिन सूर्या जी इसे नहीं बचाते तो इस गांव में हमारी इज्जत, मान मर्यादा सब कुछ मिट्टी में मिल जाती। ये सब जाने बिना कैसे भी उन्हें कितना भला बुरा कहा और वो कुछ भी मन में ना रखते हुए एक बात भी कहे बिना हमारे परिवार की सहायता की, हमारा भला किया। माँ मैं एक बात कहूँगी, अगर स्वर्णा भैया जिंदा भी होते तो हमारे लिए इतना नहीं करते जो इन्होंने किया है। सूर्या ने एक बेटे का फर्ज पूरा किया है माँ। से दूल्हे को यहां बुलाइए। हां अरे रे छोटी मालकिन क्या हुआ? हां भैया भैया प्रिया जी ने पैर पी लिया। भैया भैया हटो हटो जाओ हटो। कम ऑन हरी अप, कम फास्ट कम फास्ट कम फास्ट हरी अप। मालिक दूल्हा दिखाई नहीं दे रहा। मालिक सब जगह देख लिया, कहीं भी नहीं दिखाई दिया। आ गया वो, जल्दी से मेडिसिन लाइए। हाँ जी डॉक्टर। ए दिखाई नहीं देता क्या, देखकर चलना। देवी के गहने चुराने वाला यही गूंगा है। मल्लिकार्जुन बोल, कहाँ है तेरा बेटा? मुझे क्या पता। ए, तुझे सब पता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है और वो ऐसा करेगा भी नहीं। नहीं मालिक, प्रिया मैम साहब को छोटे मालिक ले जा रहे थे, मैंने उन्हें ले जाते हुए अपनी आंखों से देखा। मल्लिकार्जुन अपने लड़के और लड़की को भगा कर तुम दोनों पति पत्नी जैसे कुछ जानते ही नहीं हो नाटक कर रहे हो। अगर तेरा बेटा पाताल में भी छुपा होगा ना तो मैं उसे पाताल से भी निकाल लूंगा। अब मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तेरा वो भगौड़ा बेटा यहाँ दौड़ता हुआ आएगा, उसे आना ही होगा। ए! ए, मल्लिकार्जुन क्या हुआ? इस गूंगे को देखकर तू गूंगा क्यों हो गया? ये गूंगा कैसे बना ये जानना है ना? बता बताना। बताता हूँ भैया,
जिस दिन मंदिर से गहने चोरी हुए तब सुहर्णा अकेले नदी किनारे बैठा था और फिर देवी माँ के गहने मैंने नहीं चुराए, लेकिन गांव वाले सब बोल रहे हैं कि मैंने गहने चुराए हैं। कम से कम आप तो मुझ पे भरोसा कीजिए। मुझे तुम पर भरोसा है सुवर्णा। बहुत बहुत शुक्रिया। वो इसलिए कि वो गहने किसने चुराए हैं ये अच्छी तरह से मुझे पता है। हाँ, आपको पता है? मल्लिकार्जुन के आगे सर झुकाना नहीं चाहता था, इसलिए जोश में आकर मैंने शादी तय कर दी। लेकिन मेरी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा तो मेरी इज्जत का क्या होगा? ये बात सोचकर मैं बहुत परेशान था। भगवान ने आइडिया दिया, वो सारे गहने इसने चुराए थे और गांव वालों की नजर में तुम चोर साबित हुए। मंदिर से देवी माँ के गहने चुराने वाले आप थे। मैं अभी जाकर मालिक को यह सच्चाई बताता हूँ। ये पूरी तरह से भीग गया है, किसी पेड़ पर लटका कर सुखा दो इसे। गहनों के साथ शहर में किसी गेस्ट हाउस में रुक जा, और जब मैं कहूंगा तो गहनों के साथ अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना, और तब तक तू गूंगा है। अरे ओ पापी राक्षस, मेरे बेकसूर बेटे पर तूने चोरी का इल्जाम लगाया, फिर उसकी जान भी ले ली। ए बुढ़िया, अगले दिन तू मुझसे नाटक करता रहा, जान ले लूंगी मैं तेरी, नहीं छोड़ूंगी। इस मल्लिकार्जुन ने कभी अपनी जबान नहीं पलटी, तेरी हर एक बेइज्जती मैंने बर्दाश्त की। मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए मेरा बेटा उनका बेटा बन गया, और तू उनके बेटे को मारकर इतना नाटक कर रहा था। मैं मल्लिकार्जुन चुप हूं तो शांत शिव हूं, और अगर गुस्से में हूं तो रुद्र शिव हूं। Yeah!
मल्लिकार्जुन, मुझे क्षमा कर दो। आज के बाद मैं अच्छा इंसान बनकर रहूंगा। अगर सच में कोई सुधरना चाहता है तो मल्लिकार्जुन उसे माफ कर देता है, लेकिन कुत्ते के दुम सीधे नहीं होते। तू उसी जाति का है, जाके भगवान से क्षमा मांग। बेटा, सच्चाई क्या है ये जाने बिना मैंने उस पापी की बात सुनकर तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। बेटा, भगवान के लिए मुझे क्षमा कर दो। बड़े कभी छोटों के पैर नहीं छूते, वो आशीर्वाद देते हैं। अगर बड़े छोटों के पैर गिरे तो वो पाप होता है। आप ये गलती मत कीजिए। अगर पुनर्जन्म होना सच बात है तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करूंगी कि तुम मेरे बेटे बनकर अगला जन्म लो।